कल मेरी शादी होने जा रही है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। शायद मेरे मम्मी पापा इस दुख को समझ पाते, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान जी, आप ही हैं जो मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। बुच्ची नाम है मेरा, पांचवी फेल। तुम्हारे अंकल रेडप्पा और मुझ में सालों से क्लोज दुश्मनी है। इस आदमी से शादी करने का मतलब है अपनी बर्बादी को दावत देना। ये पहले से ही शादीशुदा है। इस कमीने को कुत्ते की तरह घसीट कर गांव से बाहर फेंक दो। माना कि मैं शादीशुदा था, लेकिन दिल में प्यार का रिंगटोन बज रहा था ना। तुम्हारे भी दिल में वही बज रहा है ना, वरना अपनी शादी से नहीं भागती। लेकिन तुम्हारे अंकल का दिल तो साइलेंट मोड पे है ना, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा तुम्हारी लव स्टोरी। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे अंकल से बदला लेने का मौका तो मिल गया। ऐसे लगता है कि रेगिस्तान में प्यासे को कुआं मिल गया। हाँ, अब तुम ही बताओ, इतनी हसीन रात में तुम जैसी लड़की सामने हो तो दिल में अरमान खड़े होंगे ही ना। इसी को चाकू दिखाया और फर्स्ट क्लास एसी टिकट कंफर्म। अगर तुम्हें मार देता तो दो चार दिन रोने धोने का नाटक करके रेडप्पा इस बात को भुला देता, लेकिन तुम्हारे भाग जाने से वो रोज मातम मनाएगा साला। रास्ते में खाने के लिए फ्रूट्स और ये पानी। पानी लेने के चक्कर में अगर ट्रेन निकल गई तो मेरे किए किराए पर पानी गिर जाएगा ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना स्वर्ग का सफर करवा दूंगा। अरे बहुत हेवी बोल दिया, चल निकल, निकल। अरे धीरे धीरे जाना। हैप्पी जर्नी। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यात्री गण कृपया ध्यान दें, रेडप्पा साहब की भतीजी अपनी शादी के पहले ही भाग गई। प्लीज पेमेंट अटेंशन। रेडप्पा के स्मॉल ब्रदर की बिग बेटी शादी से वन नाइट बिफोर फ्लाइंग। इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? क्या बकवास कर रहा तू? क्या हुआ? बकवास नहीं, किसी महापुरुष ने कहा है कि कोई बुरी खबर हो तो कानों में धीरे से कहना चाहिए, और अगर कोई अच्छी खबर पूरे पब्लिक को सुनानी हो तो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट करना चाहिए इस माइक से। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर रहो। अच्छा, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर से दूर रहूं और तुम आराम से मेरे फैमिली मैटर में घुस जाओगे? हाँ बाबा, इसी वक्त घर लौटाओ। पर सीता मिली नहीं। कोई बच्चा खो जाए तो उसे ढूंढना हमारा फर्ज है, लेकिन एक समझदार लड़की मुंह पर तमाचा मारकर भाग जाए तो उसे भुला देना ही समझदारी है। वो हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। तुरंत लौटाओ। हमारी आजादी का गलत फायदा मत उठाओ। अब जहाँ कहेंगे वहीं शादी करनी होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे हॉस्टल मत भेजिए, कोई गुल जरूर खिलाएगी। प्लीज उससे एक बार मिल तो लीजिए। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। हमें किससे मिलना है, किससे नहीं है, हमें मत बताओ। अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में जिस लड़के से रिश्ता तय किया था, अब उसी से तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं। शायद तुम उनकी बेटी होकर भी ये बात भूल गई हो।
हेलो गीता दीदी, आप ट्रेन में बैठ गई? सब लोग बहुत परेशान होंगे ना। वो सब छोड़ो ना, मैंने तुम्हारे बैग में थोड़ा कैश रख दिया है। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जो होगा देखा जाएगा। अमेरिका पहुंचते ही जीजू के साथ एक सेल्फी भेजना, मैं उन्हें देखने के लिए बेताब हूँ। तुम घर में पहली इंसान हो जिसने उसके बारे में पूछा। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं उससे पहली बार फेसबुक पे मिली थी, वो अमेरिका में रहता है। मुझे गुड नाइट बोले बिना उसका दिन शुरू नहीं होता, और गुड मॉर्निंग बोले बिना मेरी रात खत्म नहीं होती। चैनल सुनने वाले सभी इंडियंस को इस इंडो अमेरिकन कूल कैट करिश्मा का नमस्कार। एक तो इसका प्रोग्राम होस्ट करना पड़ता है और ऊपर से मेरी सैलरी भी हड़प कर जाता है। कहाँ है ये पट्टू? कह रहा है कि ट्रैफिक में। ओके, आज रफी साहब के बर्थडे पर हम उनके कुछ अनमोल और सुपर हिट गाने बजाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे चुने हुए गीत आपको भी पसंद आएंगे। सो स्टे ट्यून टू रेडियो मिर्ची नाउ इन USA। सफेदी की चमकार, या यू कम हियर। हेलो, मैंने तुम्हें सिर्फ लिफ्ट दिया है, गिफ्ट नहीं। ओह थैंक्स एंड सॉरी। कुछ ज्यादा ही तेज हो। बचपन में अपने घर के अलावा पड़ोसियों के भी बादाम खा जाता था, इसलिए मगज तेज से आओ जो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाप की गाड़ियां खाली हो, बीवी के ताने सुन लिए हो, तो गाने सुनने के लिए रेडी हो जाइए। तुम्हारी बोरिंग जिंदगी में मैं भरूंगा चटपटा मसाला। ए आला रे आला पटेल आला। ये बंदा देर से तो आता है, पर आते ही क्या धमाल मचा देता है। आपकी जबान का नेटवर्क मेरे दिल तक पहुंच रहा है, बोलिए। ऐसे ही फोन किया, बताओ हाउ आर यू। आप आंटी लोग के आशीर्वाद से हूँ मजा में छू। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कलावती है। नाम से लगता है दिलीप साहब के जमाने की है, पर बैड लक की वजह से ओम प्रकाश जैसा पति मिला गुलशन रोड जैसा बेटा। अब उसकी शादी के लिए कटरीना कैफ जैसी बहू ढूंढ रही है। चलिए बताइए आपने कॉल क्यों किया। मुझे मॉडल बनना है पट्टू। अगर आप चश्मा पहनती हैं तो ब्लू लेंस लगा लीजिए, बाल काले हैं तो उसे गोल्डन कर लीजिए। अभी ऑर्डर करती हूँ। हेलो क्या बोला? कब हुआ? किसने किया? मैं अभी पहुँचता हूँ। ये क्या कर रहे हो? देखो तुम पार्ट टाइम करते हो लेकिन मेरा शो छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? पार्ट टाइम जॉब है, वो मेरा फुल टाइम दोस्त है। रफी लता किशोर किसी के भी गाने बजा देना, ऑडियंस सुन के बोलेगी मम्मी बचाओ मरी क्यों। बेटा पट्टू मेरे को क्या बुलाया? ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। इसकी माँ बहुत बीमार है, ये इंडिया जाना चाहता है पर कंपनी मना कर रही है। ये अमेरिकन खुद को समझते क्या है? हमारे टैलेंट के दम पे खुद की कंपनियां चलाते हैं, पैसे कमाते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अब इनकी नहीं चलेगी। अरे कंपनी का ओनर गुजराती थे। ओ हाँ अच्छे, ये गुजराती लोग अमेरिका में भी आके पटेली कर रहे हैं, भांगीना के तोड़ीना के भुक्को करोना के। हमें इसे एयरपोर्ट लेकर जाना था पर कंपनी ने इसे पकड़ने के लिए गुंडे भेजे। डिलीवरी फास्ट होगी पर खर्चा लाख से। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है। ऑनलाइन स्टोर समझाए क्या? कैश चाल से All the best. Okay. देखता हूँ एयरपोर्ट कैसे पहुंचा है। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यही वो लोग हैं जो मुझे इंडिया नहीं जाने दे रहे। पेट्रोल जला के काय को खर्चा बढ़ा रहे, पटेल को फजूल खर्चा पसंद नहीं। ओके अमेरिका में सब कुछ खुला खुला रहता है, तो तुम लोग भी दिल खोल के मेरी बात कान से सुन लो। ये डोडो को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मैंने $500 में सौदा किया है, इसलिए बात अब दोस्ती के नहीं मेरे धंधे की है। मैं $1,000 दूंगा। चौकस क्या सोच रहे हो? यही कि पैसों के लिए पार्टी बदल लूं। मैं 1,500 दूंगा। तो पार्टी चेंज। मैं $3,000 दूंगा।
इतना तो नहीं दे सकता। वो समझू छू पर इतने डॉलर में इतना ही मिलेगा। तू मेरा रिश्तेदार है क्या बापू? पहले गिनने तो दे। ये कल्पेश कार में बैठ जा। ये क्या बकवास है, पैसे दिए ना और क्या चाहिए? हम कह रहे थे ना विशाल। विशाल पेमेंट मैंने तुझसे जरूर लिया पर जबान मैंने उसको दी थी। पैसा तो हजम करूंगा मैं पर बदअजमी तुम लोगों को होगी क्योंकि अपनी बोली मार्केट की है और मार्केट अप डाउन होते रहता है तो नहीं समझेगा। हाँ अपने गुजराती भाई समझ जाते। What are you say guys? अमेरिका अपना देश बुरा नहीं है, जाके मेहनत करवा। थैंक यू दोस्त, तुम महान हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस बस बस, ज्यादा थैंक यू बोलेगा तो थैंक यू टैक्स ले लूंगा। अच्छा देश को मेरा सलाम बोलना और बोलना वी पटेल मिस यू। थैंक यू बाय। I want my breakfast right now. I want masala dosa. यही हाल रहा तो खाट खड़ी और बिस्तर गुल हो जाएगा। Have patience, chef is coming. ये तो बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। नाश्ता नहीं मिला तो मेरी जान ले लेंगे। अरे जल्दी आ पापा। आओ जो आओ जो। Today no idli, no dosa. Only Indian famous rice cooker. टिकल राइस तो सुना था, ये टिकल राइस क्या है? रात के चावल में दाल मखनी आलू मटर और अचार मिक्स कर डाला। दाल मखनी। Awesome. I want one more plate immediately. So good. We want chicken rice. सरस धंधा हुआ। तुझे भी अच्छी टिप मिली है। ओ भाई ये गल्ला है, ये मेरी टिप है। ये क्या बोल रहा है पप्पा, गल्ला कम है और तेरी टिप ज्यादा है? ऐसे ही चलता रहा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? अरे पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं पर पटेल राइस ही कमाता है। मैं अमेरिका में अपनी सेल्फीज फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करने नहीं आया हूँ, हर एक पल को डॉलर में कन्वर्ट करके कॉलर ऊपर करने आया हूँ। आजकल लोग ऑक्सीजन से ज्यादा सेल पर जीते हैं। मानसून सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल, क्रिसमस सेल, मारामारी सेल, अमीर से लेके गरीब तक सेल ही सेल। अब इसका फायदा मैं ना उठाऊं तो मैं काय का पटेल? इसलिए सेल की दुनिया में एक और चीज सेल पर, पटेल ऑन सेल। यहाँ सब कुछ मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 24 कलाक सेवा माँ। हेलो, क्या फ्लाइट लैंड हो गई? मम्मी बचाओ, मारे क्यों? क्या हुआ, कोई वीआईपी आ रहा है? Thank you.
टीचू इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। इंडिया हो या अमेरिका, ये लड़के ठरकी गिरी से बाज नहीं आते। लड़की देखते ही लाइन मारना शुरू। ओ, हेलेन की खाला, सॉरी जल्दी में था, जानबूझ के नहीं किया। ओ, जल्दी में थे? इतने बड़े एयरपोर्ट में इतने सारे लोग मौजूद हैं, सिर्फ मुझसे ही क्यों टकराए? खूबसूरत लड़की देखते ही तुम लोगों को तो टच करने का बहाना चाहिए होता। सीता, सीता नाम है मेरा। अगली बार मुझसे टकराए ना तो सारी हीरोगिरी निकाल कर रख दूंगी। ओ हीरोइन, अगर मैं टकराने के लिए रेडी हो गया ना तो यहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे जा अमेरिका का राउंड मार के देख, एक से एक परियां घूम रही हैं। यू यू क्या 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 बोल 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 हाय आगांडो तारू भैलू छे। नन ऑफ योर बिजनेस। सीता याद रखना, सीता हूं मैं। मेरा दोस्त भी सीता है, बहुत अच्छे कपड़े। सीता चल। देखो बीबी वाले कपड़े पहन के आया हो। जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? आई एम VIP, डोंट क्रॉस लिमिट। मैं फुसकी फटाके जैसा दिखता हूँ लेकिन हूँ बॉम्ब। Hey officer, Sudhir, I'm sorry, what's the problem? He's my guest. मेहमान भगवान होता है, कोई लावारी सूटकेस नहीं। इतनी देर से कहाँ था तू? सॉरी अंकल, आने में थोड़ी देर होगी। What is this? Weapons? मेरे स्पेशल हथियार। काका ढोकले में कीमा क्यों मिला रहे हो? Actually he's traveling for the first time. इन डोनट से डरने की जरूरत नहीं है। सचिन का बैट उसका बॉम्ब है, जाकिर हुसैन का तबला उसकी तोप है, और ये कड़ची इस बावर्ची की मिसाइल है। मैं गर्व से कहता हूँ ये मेरे हथियार है। ISI मार्क वाले। ISI? Yes. Excuse me sir, please remove your belt. पैंट उतारना चाहते हो? मैं नहीं उतारूंगा। और ये किंग खान की भी पैंट उतार चुके हैं। किंग खान को अमेरिका की जरूरत थी, इस किंग के खाने की अमेरिका को जरूरत है। सर, he's the best cook in India. ISI means Indian Standard Institute. Please let us go, sir. This is our restaurant address. आओ जो हाँ। होटल में आए तो इनके खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा, उससे भी बच गए तो इनके फ्लाइट को किडनैप करके इनके प्रेसिडेंट के सफेद घर को ठोक दूंगा। What is he saying? कायपन नहीं। He wants to see the White House by flight. That's all, sir. Nothing, sir. It's okay. Tell him to shut his bloody mouth. Shut up लगा तो। Don't worry, sir. Thank you. Handle with care. तुमने सही वक्त पर आकर बचा लिया उन वॉचमैन को। सुना है यहाँ ग्रीन कार्ड मिलते हैं, घर जाते वक्त रास्ते से दो चार उठा लेंगे, पूरी फैमिली को ले आओ। बोलियो ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड लेते लेते ब्लू हो जाएगा और कैमरन तुझे एवटार 2 में ले लेगा। ओहो चल तेरी फिल्म बनाता हूँ। ओके ओके एक मिनट रुको, एक सेल्फी लेते हैं। अब अमेरिका का भाग खुल गया। बरोबर। Show me your passport. She has it, officer. भारत का पासपोर्ट। पासपोर्ट था तभी तो फ्लाइट में बैठ पाई ना। No. We can't allow you without passport. I'll get it. Lose your passport. Wait, I'll show you. एक सेकंड। Yeah, there's a lady without passport. Officer, मेरे पास है पासपोर्ट। ओह हीरोइन। ये लो। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की चीजें संभालना सीखो। Show it to me. Thank you, buddy. Please, ma'am. Show it to me. चलो देखो। सोए हुए अरमान जगा देती है। मैं महसूस कर रहा हूँ। आज है अपना रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? आवा गाय। क्या आवा गाय? ये तो कल्लू के ढाबे से भी गया गुजरा है। इस फालतू ढाबे के लिए मुझे से बड़े बावर्ची को बुलाया? यहाँ मेरे असिस्टेंट का असिस्टेंट भी काम नहीं करेगा। तू क्या खींच के? यहाँ इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है। इंटरेस्ट अपने पैरों से चलकर। वेलकम टू आवर होटल। आप इंडिया छोड़ के यहाँ पर क्यों नहीं सेटल हो जाते? कहाँ आपके दिल में जोक था, दिल पे मत लेना। आपका नाम? मलाई, रस मलाई, मेरा मतलब चमचम रस मलाई। शक्ल से मैचिंग है, बहुत मक्खियाँ बैठती होंगी आप पर। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये मिठाई की पेटी इस लंगूर की बेटी कैसे? ये मेरी बेटी नहीं गधे, ये मेरी बीवी है। शी इज माय वाइफ। अब जाके किचन देख ले। खामोश। किचन खाना बनाने के लिए नहीं होता। क्या मतलब? किचन तो रोमांस करने की जगह होती है। सब्जियों को मैं अपनी माशुका समझता हूँ। हॉट गरम मसाले खाने को स्पाइसी बनाते हैं। ये कैसी फिलॉसफी है? कुकिंग लव मेकिंग मिक्स मत करो। तुम्हारे पति बिल्कुल अनाड़ी है। अगर ये खिलाड़ी होते तो तुम्हें क्यों बुलवाती? बच्चे की जान लोगी क्या? चलो फिलहाल एक सेल्फी ले लो। ओए तू भी आ जा। बस अब हवा कह के भाग खुल गए। तुम सब लोग गेट आउट। Gets lost, I say. Now. Come on. ये किचन है या क्रिकेट स्टेडियम? मुझे खाना बनाना तो क्या नींबू तक निचोड़ना नहीं आता। उस टकलू को पता चलेगा तो मुझे निचोड़ेगा। तू
ईका, अमेरिका में कदम रखते ही अपनी आत्मा को भूल गए? तुम यहाँ कैसे? टिकट, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत तुम इंसानों को पड़ती है, हम तो आत्माएं हैं। फ्लाइट के बिना ही फ्लाई करके हम कहीं भी पहुँच सकती हैं। अब ये बताओ, इस झमेले से बचोगे कैसे? फेमस बावर की संजीव कपूर की सारी रेसिपीज इस आईपॉड में रिकॉर्डेड है। वाह, तुम तो अपनी आत्मा से भी गए गुजरे निकले। उन बेचारों पर काहे रोज धड़ रहे थे? ताकि वो मुझे 30 मार खा समझे। और एक बात बताओ, हर जगह दांत फाड़ के अपनी सेल्फीज काहे लेते हो? व्हाट्सएप डालेगा। और का रे वासु, बाहर उस हॉट औरत के साथ डबल मीनिंग बात है। सब्जियां तो ही मासु का है, हॉट मसाले से स्पाइसी बनाएगा। अब मुझे हेलन मिल रही है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये इंडिया का गांव नहीं है, अमेरिका है। यहाँ के गुलाब भी जुलाब देते हैं। जुलाब नहीं, बस 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 बस, अब भाषण झाड़ना बंद कर, घुस जा अंदर। आओ जो अंकल, आज है अपना शीश महल। जब भी कपड़ा बदलना हो पर्दा लगा लेना, यहाँ से नीचे थूकोगे ना 15 मिनट बाद सर पे गिरेगा। दिन भर मरने के बाद मैं अकेला इस बेड पर ले रात भर बस बाहर का व्यू देखूं। कुछ एक्साइटिंग करते हैं। फोन मत उठा, अरे मम्मी मरी गई हो। क्या? हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? पापा हम और ठीक नहीं थे, बाद में फोन करता हूँ। तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे इस फोन में बॉम्ब रखा और फटने वाला हो। अरे यहाँ से सस्ता पड़ता है, वहाँ से कॉल करना महंगा पड़ता है। तेरी बातें मेरे दिमाग को महंगी पड़ती है। पापा केम जो? बेटा तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। एक मिनट रुको, अपनी माँ से ही बात कर लो। लो पट्टू की माँ बात करो। माँ नहीं, पार्वती। क्यों फोन किया? माँ, छोटी माँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ। संध्या की शादी फिक्स हो गई है। सुवाचे, संध्या की शादी एकदम ग्रैंड होनी चाहिए। तुम जैसे निकम्मे का अपना ठिकाना तो है नहीं, ग्रैंड शादी की बात करते हो। क्यों, क्या हो गया छोटी माँ? हर महीने पैसे भेजता तो हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम तो इतने पैसे भेजते हो कि आपने 10-10 नौकर रखी है। और एक बात सुनो, इस महीने से ना ज्यादा पैसे भेजना, महंगाई बहुत बढ़ गई है। डबल भेजूंगा। अच्छा संध्या के लिए आईपैड भेजा तो उसे अच्छा लगा क्या? प्लीज उसे फोन दो ना, मुझे उसे कांग्रेचुलेट करना है। तुम्हारी तरफ से मैं कह दूंगी। हेलो, अच्छा पापा रखता हूँ। बुरा मत मानना बेटा, तुम हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हो। ये हमारा तुम्हारा क्या है, हम एक परिवार हैं। बेटा तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने ये सोचकर शादी की है कि तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जता दिया कि सौतेली सौतेली होती है। मुझे माफ करना बेटा। पापा पापा, क्या दीदी, आखिर आपने इतनी अच्छी बात मुझसे छिपाई क्यों? मुझे भी तो अभी पता चला, इसी वीकेंड को हमारी एंगेजमेंट है और शादी ब्यूटीफुल आइलैंड पर होने वाली है। इस दौरान हो सकता है कि हमारी बात ना हो पाए। बाय द वे, एक और एक्साइटिंग बात, वो मुझे आइलैंड पर हेलीकॉप्टर से लेकर जाने वाला है। वाओ 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 वाओ, हेलीकॉप्टर, हाउ रोमांटिक। तुम्हें सच में कोई प्रिंस मिला है? प्रिंस नहीं, पर दिल का राजा है। वो चाहता है शादी जल्दी से हो ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। वो मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। जल्दी करो। ओके, चल बाय। दीदी हेलो, लव यू दीदी। हेलो हेलो हेलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द लव ऑफ माय लाइफ, सी। तुमने मुझे सी के नाम से क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? सीता बहुत पुराना नाम है। आई विल जस्ट कॉल यू सी, यू सी। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब सुनिए, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। ऑलरेडी कटा हुआ है, आगे बोलो क्या करना है। एक मिनट रुको, जल्दी का काम शैतान का। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना। फर्स्ट टाइम? तुम लोग फर्स्ट टाइम इंडियन खाना बना रहे हो ना? खाना बना रहे हो के ताजमहल? अरे खाना बना नहीं और गाना सुन रहे हो। खाना बनाने से टेंशन नहीं होती, गाना ना सुनू तो होती है। सुनते सुनते गाना क्रिएटिव बन जाता है खाना। गैस ऑन करने के लिए बीड़ी चलाई ली। वेजिटेरियन डिश के लिए मेरे देश की धरती, नॉनवेज के लिए भीखे होंठते, और प्योर इंडियन फूड हो तो हरी प्रसाद चौरसिया। सुभानअल्लाह, खाना और गाना जुड़े हुए हैं। दुनिया का हर एक डिश किसी न किसी गाने से इंस्पायर्ड है। मेरे आईपॉड में 500 रेसिपीज मतलब गाने हैं। म्यूजिकल बावर्ची, टेस्टी बनाना। इट्स ओके, रहने दो।
गुलाब जामुन में गुलाब डालना मत भूलना। मम्मी मेरी देखो। हेलो हेलो ये हटाओ जो हटाओ। तू केटरिंग का ऑर्डर मुझे मिला। चलो माफी माफी खेलते हैं। तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे प्लेट का पैसा माफ करता हूँ। मत पियो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बैटरी लो होती जा रही है। काका प्रॉब्लम था ही लोगों को खाना पसंद नहीं आया। आइटम इतने अच्छे लगे कि अब आइटम सॉन्ग मांग रहे हो। तो क्या मैं कुकिंग छोड़कर उनके सामने डांस करूं? विजुअल नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए। उसे कहां ले जा रहा है, उसके बिना मैं खाना? अरे कॉपीराइट है क्या? यही गाना स्पीकर में बजाऊंगा, वहां से सुन लेना। व्हाट नेक्स्ट? उससे जाके पूछो। ओए अरे दे आने दे, आने दे, मेरा आईफोन वापस दे रे। हां बची गयो। मंडली एंगेजमेंट में गाने का अरेंजमेंट ना हो तो मजा नहीं आता। हिमेश लेके रहमान के सारे हिट गाने हैं तो कमर कसी लियो। एक बैटरन। आज हम आपको चिकन कबाब बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले चिकन को पूरे 12 घंटे तक इमली के पानी में मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। और फिर कल हमने दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कीमा बिरयानी बनाना सिखाया था। आज हम आपको खीर बनाना सिखाएंगे। खीर बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, चावल, इलायची, बादाम और किशमिश। अगर आप चाहें तो पेन पेपर लेकर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी लिखना, चावल, इलायची। सब लोग हिल गए ना, ये मेरा प्लान था। आजकल क्या है कि लड़कियां शादियों के बाद सबसे पहले अच्छा मुंह बनाती हैं। अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, इसीलिए दुल्हन को ये आईपॉड गिफ्ट कर रहा हूँ। शाबाश। हेलो, मैं कुकिंग की एक्सपर्ट हूँ। अपने हॉस्टल के मेस में अकेले ही 500 लोगों का खाना बनाया करती थी। हेलो सीता, आई मीन सी। तो कलेक्शन देने की आड़ में गलतियों को मत छुपा। म्यूजिक का है अभी, आई वांट म्यूजिक। सॉरी बेबी, वन सेकंड। ब्रो प्लीज ब्रो, कहीं से भी म्यूजिक अरेंज करो। ठीक है पटेल ऑन फ्लोर। एक बात तो बताओ काका, पूरी जिंदगी में कोई काम सच्चाई से किया है? वैसे तो मेरे अंदर सच्चाई का कीटाणु होता तो मैं बाहर काटे होता। तू चुप कर वरना जिन की तरह बोतल में बंद करके फेंक दूंगा। सो गयो? इतने लंबे चौड़े आदमी को बोतल में उतारोगे? नहीं नहीं नहीं, तुझसे नहीं कहा, मेरी मत नहीं मारी गई है। या काका, पटेल से पटेली नहीं, तुम्हारी बिना हड्डी वाली जबान ने कभी सच बोला है या नहीं? मजबूरी में कभी कभी। ठीक है तो अब मैं तुम्हारी मजबूरी को मल्टीप्लाई करता हूँ। आईपॉड की कसम खाओ और सच सच बताओ, तुम्हें खाने में क्या बनाने आता है? अंडा उबालना आता है। बॉइल्ड एग बनाने में एक्सपर्ट। मतलब फेला अंडा? हाँ, 5 साल पहले पाव वाले के पास नौकरी करते समय एक उबाला था, बहुत टेस्टी था। खावे पत्ती चले, इंडिया में पैदा होके अमेरिका में बैदा बेचने आया है। हिलरी बेन का रिश्तेदार है। अभी अभी को देखा क्या? जिसका डर था वही हुआ, ये अभी भाग गया ना। अरे अरे अबे पार्टी नु बिल कौन भरसे? ओवर रिएक्ट मत करो, वो तुम्हारे जैसा चीप नहीं है। मैं अभी इज अ जेंटलमैन, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अभी अभी जीपीएस ऑन कर, अभी मिल जाएगा। अभी जेंटलमैन। ओ जेंटलमैन बापू। अभी डार्लिंग। डार्लिंग जेंटलमैन। ओ डार्लिंग जेंटलमैन। जानू तुम कहाँ हो? जानू डार्लिंग जेंटलमैन क्या छो? हेलो जेंटलमैन, गाड़ी के अंदर सुल्तान के भेज में। ओह कुश्ती कर रहा है। सीता 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 रुको, सीता 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 मेरी बात सुनो। आई कैन एक्सप्लेन दिस, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। समझने के लिए रखा ही क्या है? तो ये था तुम्हारा प्यार, अभी तुमने मुझे धोखा दिया। पता है तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के विश्वास को तोड़ा। मैं शादी के एक दिन पहले 7 समुद्र पार करके तुमसे मिलने आई। तुम बहुत ही घटिया और मक्कार इंसान हो। अगर मुझसे प्यार नहीं तो शादी किसलिए? तुमसे शादी करना मजबूरी है। अगर तुमसे शादी नहीं की तो मेरे कंजर्वेटिव पेरेंट्स मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सच बताओ, मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल फेसबुक पे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने 6 महीने तक तुम्हें उल्लू बनाया, वरना बहुत गर्लफ्रेंड्स है मेरे पास। बेबी आर यू ओके? हां ओके ओके। वो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, हमारी एंगेजमेंट की वजह से थोड़ी इमोशनल हो गई, मैं तो बस उसे कंसोल कर रहा था। मतलब तू इनोसेंट इंडियन लड़की का फायदा उठाना चाहता था? ए एक्सपर्ट कमेंट देना बंद कर।
और वैसे इसके लिए तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ना तेरे लिए हमदर्दी है ना इसके लिए हमदर्दी है, पैसों के लिए हमदर्दी है। ये ले और तुम मेरे साथ चलो। यही सोच रहा था कि तुम जैसे बैकवर्ड इंडियन से मिलूं या नहीं। फाइव स्टार होटल में खा के बहुत बोर हो गया था, इसलिए आज सोच रहा हूं कि घर की मुर्गी की तंगड़ी कबाब खाऊं। ए वेटर, अंदर कैसे आया? कैसे आया? ऐसे चल के आया। क्या बात है, मुझसे लड़ेगा? अरे ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब पटेल का भी एक आइडिया सुन, फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने बोल दे। कब तक रहेगी? चल जाते हैं। ऐसे कैसे जाएगा? इतनी खूबसूरत लड़की की इज्जत की कीमत क्या लगानी चाहिए? पटेल इज ऑलवेज ऑन सेल, पर उसके उसूल नहीं। एक बार तुम यूएस तो आ जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा यहाँ पर। यहाँ तुम बिल्कुल आजाद हो, यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, और यहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है, बस कम बेबी। गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, कुछ तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पर छोड़ूंगा। सुन रही हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ? फोन कॉल करता है, फोन कहाँ पर है? हेलो गीता, कांग्रेचुलेशंस दी, मैं आपको दिल से कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। 5 मिनट में मेरे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले मैं आपकी गुड न्यूज सुनना चाहती थी। बाय द वे, एंगेजमेंट कैसी थी? जरूर जीजू ने डायमंड रिंग पहनाई होगी। जीजू को फोन देना, जल्दी बोलिए दीदी, अच्छी न्यूज के साथ एग्जाम्स दूंगी तो ये वाला एग्जाम भी अच्छा जाएगा। जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम एग्जाम्स पर ध्यान दो, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। हाँ, ऑल द बेस्ट। दीदी आप रो रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अंकल, आंटी, दादा, दादी, गुड्डू, गुड्डी सबकी बहुत याद आ रही है। यहाँ आकर एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। सबको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाई। इतना उदास मत हो दीदी, देखना बहुत जल्द घर के सारे लोग मान जाएंगे। जरा जीजू से मेरी बात कराओ। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। क्या कहा?
मेरा मतलब गेस्ट को ड्रॉप करने गए हैं। मुझसे प्रॉमिस करो हमेशा की तरह इस बार भी तुम टॉप करोगी। अब तो पक्का करूंगी, देखना। कांग्रेट्स वंस अगेन। चलो बाय 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 बाय। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी का तो नंबर दो, उन्हें कांटेक्ट करता हूँ ना मैं। तुम सुन रही हो या नहीं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। सू बोली, अरे गांडी अपना देश छोड़ के अमेरिका गए उस लुच्चे के लिए, वो डोडिया तुझे कहाँ मिला था? एफबी पर। क्या मने तो फरीदी बोल। फेसबुक पे दोस्ती हुई, चैटिंग करते करते प्यार हो गया। क्या? फेसबुक पे पाटली उतार दिया। अंकल आया आया। ये फेसबुक की चैटिंग पर सेट हो गई थी उससे। चीटिंग मैं जानता हूँ, लेकिन चैटिंग कौन सा नया डिश का नाम है? अभी समझाता हूँ। दो अनजान लोग जब इंटरनेट पर बिना मुंह खोले एक दूसरे को पकाते हैं, उसे कहते हैं चैटिंग। इनका बस चले तो फेसबुक पे सगाई, व्हाट्सएप पे शादी और ट्विटर पे हनीमून मना लेंगे। इन्हें आईफोन चाहिए, मुंह पे ब्यूटी पार्लर चाहिए, बॉयफ्रेंड एनआरआई चाहिए, बस संस्कार ही नहीं चाहिए। माँ बाप की बातें इन्हें वो वायरस लगती है जिनसे इनका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। एक दिन के लिए वाईफाई। जस्ट शट अप। ओके, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, रिसर्च करना चाहती थी, पीएचडी करना चाहती थी, पर घर वाले इसके अगेंस्ट थे, मेरी शादी करवाना चाहते थे। सिर्फ अभी मेरी प्रॉब्लम समझता था और प्रॉमिस किया था कि मेरी हेल्प करेगा। तीन महीने कांटेक्ट में रहने के बाद हम इतने क्लोज हुए थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अमेरिका याशी करने नहीं, पढ़ने के लिए आई थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी रेस्टोरेंट में खाना ही क्यों ना पकाना पड़े, मैं पढ़ाई पूरी करके रहूंगी। उससे पहले मैं इंडिया वापस नहीं जाने वाली। प्लीज शांत हो जाओ, बिना सच्चाई जाने बोल देता है गधा। तुमने कहा तुम अच्छा खाना पकाती हो, क्या ये सच है या फिर? सच में मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। अरे पहले खुद की नौकरी तो बचा लो। खुद को बचाने के लिए इसे असिस्टेंट रख रहा हूँ। जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसकी जगह 10 विंडोज खोल देता है। आओ हमारे साथ। वेलकम सीता, दिल से स्वागत है। ये है मेरा आशियाना, छोटा सा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे पेट जितना। इसे अपना ही घर समझो, फ्रीली फ्री में रह सकती हो। बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल, दरिया बाकी सब समंदर। लॉर्ड में आगे का हेडू रेंट आप वो पर्स है। हेलो, बेड का $500, सोफे का $400 और फर्श का $300। और हाँ, कंप्यूटर यूज करने का $25, इलेक्ट्रिसिटी पानी और हवा का कोटेशन रह गया, उसका भी चार्ज ले ले। इंटरेस्टिंग हो, सारू आइडिया छे। हेलो, ये अमेरिका है, यहाँ फ्रीडम है पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। वाह, इतनी गहरी बात कह दी, ग्रेट नॉलेज। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, जाके अपना डेरा जमा लो। बिंदास। एक बात बताओ, ये तुम्हारी असिस्टेंट है या तुम इसके असिस्टेंट हो? उसका टैलेंट चेक करके डिसाइड करूंगा। बाय द वे, इस लड़के को डस्टबिन में क्यों डाला? अरे वो गाड़ी में चढ़। हाँ, क्या वजह क्या थी? और वो कार वाला सीन क्या था, वो भी तो बताओ। कार सेवा, उसको सामने मत पूछो। अरे कार में हॉट योगा कर रहा था। अरे कार में योगा करने में क्या गलत है? मैं तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू कर देता हूँ। अरे कांडा, लेकिन कार में क्या बुराई है? कार हो या प्लेन हो, कार हो प्लेन हो या बेड हो, लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बस योगा टीचर फीमेल होनी चाहिए। कार में कारनामा कैसे किया होगा? ए भाई, वो नई कुक की बात की थी ना, यही है। नमस्ते, सॉरी मेरी वजह से तकलीफ है। ऐसा मत कहो, इंडियन शेफ पाके हम तो बहुत खुश हैं। सही कहा, इनको ले जाके किचन दिखा दो। आओ ना। हेलो अमेरिका, आज पटेल आपको फेरी टेल नहीं स्कैरी टेल सुनाने वाला है। सोशल साइट्स पर अपनी हाथ की लकीरें घसने वाले यूथ के लिए मेरे पास मैसेज है। ऑनलाइन चैटिंग कर लो पर मीटिंग मत करना, उसमें चीटिंग हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है लेकिन लाइफ वो रिस्टार्ट नहीं होगी। तो फेसबुक पर ऐसे काम मत करो कि फेस दिखाने लायक ही ना रहो।
सो गर्ल्स प्लीज बी केयरफुल। अब लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये सुनहरा गाना। मेरी ककड़ी कट जाती तो। आपने एनआरआई राजशेखर के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने ही क्या, अमेरिका में हर एक एनआरआई उनको अच्छी तरह से जानता है। एग्जैक्टली अगले हफ्ते उनकी शादी की सालगिरह है और वो चाहते हैं कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिले। वाओ थैंक यू सो मच, वी विल डू आवर बेस्ट। वो इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं और मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट रखा है। फैंटास्टिक, ये कॉम्पिटिशन तो देखने लायक होगा। इस कॉन्टेस्ट के बारे में अगर कपल्स को पहले से पता चल गया तो वो अच्छा बनने का नाटक करेंगे और इनाम जीतने की कोशिश करेंगे और इनाम है $25,000। $25,000? क्या बात है, चलिए जल्दी से मेन्यू फाइनलाइज करते हैं। जरा सोचो, तुम्हें कहीं से एक ही दिन में $25,000 मिल जाए तो उसका क्या करोगे? पटेल और क्या करेगा, 25 का 50 बनाएगा। ये हुई ना बात। एनआरआई राजशेखर अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट रखवा रहा है। अगर ये कॉम्पिटिशन तुम जीत लो तो जैकपॉट तुम्हारे हाथ लगेगा $25,000। पत्नी ना झूठ। सीता, अरे मेरी बात तो सुन। अरे $25,000 का सवाल है, ऐसा मत कर। नकली सोने की पायल दिलाऊंगा। अच्छा छोटा रिचार्ज करा देता हूँ। अरे मान जाना मेरी माँ। कितनी प्यारी लग रही है, तैयार करके जल्दी से नीचे आ जाना, लड़के वाले बस आते ही होंगे। हेलो केम जो पापा, मोबाइल कहीं अच्छा तुम्हारो? सॉरी बेटा वो चार्जिंग पर रखा है। वांदो न थी, एंगेजमेंट कैसी चल रही है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है बेटा, बस तुम्हें मिस कर रहे हैं। अरे मैं तो शादी से 10 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। संध्या को फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ एक मिनट होल्ड करना। आप अभी तक यहीं पे हैं, लड़के वाले बस आते ही होंगे। कितने काम बाकी हैं, अभी चलिए। पट्टू फोन पर है, कम से कम आज उससे बात कर लो। अरे भाई कॉफी तैयार है? सब मुझे करना पड़ता है। दुर्गा आंटी, दुर्गा आंटी। हेलो संध्या। हेलो हेलो पापा, छोटी माँ। अरे सब लोग क्या छो, कब से गला फाड़ रहा हूँ अपना। हेलो कोई है? अरे सुनो, हेलो हेलो। अरे वो अमेरिका से बोलो जो। हेलो कोई बात क्यों नहीं करता, कब से आवाज सुनने को तरस गया हूँ। हेलो कोई बात तो करो। जोर से चिल्ला रहे हो, बाथरूम में भी सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, लाइन तो कब की कट चुकी है। खबर छे, लाइन तो बहुत पहले ही कट गई थी। क्या हुआ, अपने सेव किए डॉलर्स का हिसाब कर रहे हो क्या? काय की सेविंग, मैं तो ये हिसाब लगा रहा हूँ कि और कितने डॉलर्स भेजने होंगे। एक बात बताओ, अगर हम कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो मेरा शेयर कितना होगा? अपने हिस्से के 20,000 निकाल के पूरे $5,000। हेलो सीता नाम है मेरा, मुझे कम मत समझना। 50-50 के लिए तैयार हूँ तो ठीक है। अमेरिका की हवा बहुत लग गई तेरे को, पूरी पटेल बन गई है। हमें ये ज्ञान आपसे ही मिला है गुरुजी। हाँ हाँ ठीक है, मंजूर छे। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा क्या होगा? ये तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर तो मैंने लीक किया था, अगर मैं राज नहीं खोलता तो 25,000 उसी दिन स्वाहा हो जाते। 5, 10, 10, डन डन डन। जाओ ठीक है, तो इसके 10 भी मेरे, हम दोनों जोड़ी रचाएंगे, धूम मचाएंगे। यस, हम दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि प्यार में ना उम्र की सीमा होती है ना जन्मों का बंधन। चलो 15 तुम्हारे, 10 मेरे। इस फड़फड़ाते दिए को तुम्हारा पति कौन मानेगा, झोल पकड़ा जाएगा। ठीक है मंजूर है। इंटेलिजेंट तेरे पसीने से हाथ चिपक जाएंगे तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा एक दूसरे के बारे में जान लो, इन्फॉर्मेशन मेमोरी कार्ड एक्सचेंज कर लो। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? सोचोगी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना, ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? ये छोटे सांड की तरह क्यों घूम रहे हो? मेरे बाप का क्या जाता है, मैं सांड की तरह घूमूं या हिरन की तरह दौड़ूं? ये हाथ का साइज देखा है ना, तेरे मुंह का ठेपला बना दूंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं भी पार्टनर हूँ। इनाम के एक हिस्से पर मेरा भी नाम लिखा है, समझता नहीं है यार। ये अमेरिका छे, हर कोई सूट बूट और यो-यो बन के आएगा, पर हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, नया ट्रेंड शुरू करेंगे। ये रेडी हुई क्या? यहाँ देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे साड़ी पहनी जाती है, ओढ़ी नहीं जाती है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, किसी ने सिखाई नहीं। चैटिंग किससे सीखी थी, माँ के पेट से? ठीक है
मैं सिखाता हूँ कि साड़ी कैसे पहनते हैं। साड़ी पहनना धोती पहनने जैसा ही है। देखो इसको ऐसे मोड़ने का और फिर कैसे पहनूंगा। उल्टी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, तब मैं तुमसे सीखूंगी। सुबोली? हाँ सुबोली। ओ, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो। अबे इसको अभी ऐसा घुमाओ, अंदर डाल दिया। चला गया सीता। मैंने बहुत सारे ब्यूटी स्पॉट देखे हैं, पर तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट सबसे अच्छा लगा मुझे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उस तरफ देख रहे थे। तुम्हीं ने मुझे मिरर के सामने खड़ा किया। अब चलो। चलो। हाय। वेलकम वेलकम। आइए। प्लीज प्लीज कम। नमस्ते। नमस्ते। आपने तो ट्रेडिशनल कपड़े पहने। इस प्राइस के लिए तो कपड़े उतार भी दो। मतलब आदमी की प्राइस उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कार से पता चलती है। परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। वाह, सुन के अच्छा लगा। सीधा। वेलकम। डॉलर फेंको और काम करवाओ। अपने साले से भी मैंने यही कहा, पर बेवकूफ मानता ही नहीं। ए जी, जरा बच्चे को संभालो ना। तुम भूल गई, ऑड और इवन डेज के हिसाब से हमें बच्चे का ध्यान रखना था। बच्चे को जहाँ मर्जी हो रखो, आज तुम्हारा नंबर है। ये भी ना? ये औरतों से कौन बहस करे, दो घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। इनके मुंह पर भी डॉलर्स फेंकने चाहिए। ए हमारा डॉक्लो, वो क्या बोलो छू, जब हमारा बच्चा होगा ना तो उसे सारा दिन मैं ही संभालूंगा। बच्चे का बोझ सिर्फ मैं उठाऊंगा। बच्चे का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथों का बोझ बहुत है। मेरे कंधों से अपने हाथ हटाओ। का फायदा उठा रहे हो ना? रोमांटिक जोड़ी। तुम जा रही हो? टेक केयर, बाय। कौन थी वो और तुम उसे इतना ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? वो मेरे ऑफिस में काम करती है, इसलिए बात कर रहा था। ऑफिस में काम करती है तो तुम उसे चिपकोगे? घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हिताक्षी, सॉरी हिताक्षी, मेरी बात तो सुनो। बाय, टेक केयर, बाय। डिंग डिंग डिंग, रसमलाई। तुमने रसमलाई खाना छोड़ दिया क्या? सॉरी डार्लिंग, मुझे खुद खाने की आदत नहीं ना, तुम्हारे हाथों से खाती हूँ इसीलिए। ऐसी बात है, इसलिए आज अपने हाथों से मुझे खिलाया। दर्द हो रहा है डार्लिंग, तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। चलो डार्लिंग, लेट गो, हैं? अच्छे से खाओ। फनी का पल, नोट करो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ी ही देर में राजशेखर साहब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेट्स गिव देम अ वार्म वेलकम। आज यहाँ आए सभी कपल्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ प्रेमा, यानी मेरी धर्म पत्नी से। हम दोनों में बहुत सी कॉमन बातें थी जिसकी वजह से हम करीब आए, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारी शादी के खिलाफ थे। किसी तरह हम दोनों ने आखिरकार शादी कर ली और फिर कुछ वक्त बाद ही हमारे यहाँ हमारा बेटा पैदा हुआ। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा करती थी कि वो कहाँ हैं, लेकिन वो कभी भी उनसे मिल नहीं पाई और एक दिन इस दुनिया से चली गई। एक आदमी की जिंदगी में उसकी पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं होता। पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास ही सबसे बढ़कर है। देयर इज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। आज हमने आप सबके लिए यहाँ मेड फॉर ईच अदर कॉम्पिटिशन रखा है। यहाँ कुछ सीक्रेट जजेस आपको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। सो कि डोंट वरी, अभी एक और राउंड बाकी है। हमारे जजेस ने कुछ लकी कपल्स को सिलेक्ट किया है। गिव देम अ बिग हैंड। अब मैं इन कपल से कुछ सवाल पूछूंगा और जो भी सही जवाब देगा वो मेड फॉर ईच अदर कपल बन जाएगा। पति पत्नी के बीच विश्वास के असली मायने क्या है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। मैं एक तारीख को मैं सैलरी बीवी को देता हूँ, वो दो तारीख को खर्चा कर देती है और मैं उफ तक नहीं करता। कैन आई प्लीज? मेरा हस्बैंड मुझे हर महीने शॉपिंग करवाता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद फटी अंडरवेयर पहनता है। मुझे उस पे नाज है। Am I right, honey? Yeah. Anybody else? एक आंटी अंकल हर शनिवार को डिनर के लिए बाहर जाते थे। एक दिन डिनर के बाद आंटी ने जिद की कि वो खुद कार चलाएंगी। अंकल ने कहा रात हो चुकी है, रिस्क नहीं ले सकते, पर आंटी नहीं मानी। अंकल रास्ता बताते रहे और आंटी गाड़ी चलाती रही। घर पहुंचने पर आंटी ने उनसे पूछा, मेरे पति परमेश्वर, तुमने एक अंधी को गाड़ी कैसे चलाने दी, इसमें तो जान भी जा सकती थी। पर पत्नी को कार से ज्यादा अपने पति पर विश्वास था। वो जानती थी कि वो उसे गलत रास्ता नहीं दिखाएगा और पति पत्नी में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए सर। ब्रिलियंट। सो मेड फॉर ईच अदर टाइटल गोज टू
दिस वेरी लवली कपल मिस्टर एंड मिसेस। क्या यार, हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? अरे क्या इतनी जल्दी, पूरे अमेरिका की दारू पी के खत्म करेगी क्या? यू नो व्हाट, यू आर अ वेरी 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 गुड बॉय। थैंक यू। क्या कर रहे हो? क्यूट बॉय, यू आर सो क्यूट। एक बात बोलूं? बोलूं क्या? बोलूं? अरे बकना, मुझे यहाँ के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मुबारक को। कुछ और भी तो था। अरे हाँ, मुझे बेस्ट हस्बैंड भी मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। कमर को हाथ लगाने पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। सॉरी ना। इट्स ओके, ओके। अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना? लाओ, अपना हाथ दो। अब मेरी कमर को अच्छे से हाथ लगाओ। मैं मना नहीं करूंगी। पिछले 20 दिनों से आपने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। आपको एक अच्छी लाइफ मिल गई तो आप अपनी छोटी बहन को ही भूल गई। प्लीज मुझे कॉल करना, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय दीदी, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो गीता? मेरी जीजू से बात कराओ ना दीदी। वो नहीं है, मेरा मतलब अभी वो ऑफिस में है। अच्छा, मुझे गुड न्यूज देनी है, मेरी शादी फिक्स हो गई। कांग्रेचुलेशंस गीता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपको शादी में आना होगा। वो गीता, मेरा आना मुश्किल है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हमारे मम्मी पापा नहीं है और पंडित ने कहा है कि आप दोनों को शादी की सारी रस्में पूरी करनी होंगी। अंकल आंटी कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा आपके लौटने से वो लोग खुश हो जाएंगे। प्लीज दीदी आ जाइए ना। गीता ऐसी जिद नहीं करते, वहाँ आना इतना आसान नहीं है। मैं अब तक सोचती थी कि मेरी माँ नहीं है, अगर आप नहीं आई तो मैं ये मान लूंगी कि मेरी बहन भी नहीं है। गीता, मजाक मत करो। अरे मूड है या बासी खाना, जो बात है सच सच बोल, नहीं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। अरे इतनी अच्छी खबर के लिए इतना मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? मैं उसकी शादी अटेंड करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। काश मैंने उस दिन उससे झूठ ना बोला होता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो गांडी आज सच्ची बोल दे। क्या कहना चाहते हो? एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना गलत है। ये ऐसा सिलसिला है जिसका कहीं दी एंड ही नहीं है। कितना भी कोशिश करो, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसके बाद कोई तुम्हारे सच पर भी विश्वास नहीं करेगा। पता नहीं सच बोलने पर घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, सोचकर ही डर लग रहा है। जो अपने होते हैं वो हमेशा गलतियाँ माफ कर देते हैं और पराए हमेशा कमियाँ ढूंढते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब बता दो, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी बात एकदम सही है, पर हमारे पास टिकट के पैसे भी नहीं है। मेरी बहन की शादी नजदीक आ रही है, ट्रेवल एजेंट ने बोला एक टिकट खरीदोगे तो एक पैक फ्री है। यहाँ भी जुगाड़। तेरे को इंडिया चलना है ना, चलना। अब क्या? ऑल द बेस्ट। सुधियो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। If you don't mind, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? सु बोली, फिर से बोल। साथ में चलूं और क्या करूँ, वहाँ पे जाके फूल लगाऊं? पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम साथ रहोगे तो। तुम आज सच बोलने जा रही हूँ और जो सच बोलता है ना उसे भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सच बोलने की हिम्मत आएगी, शायद वो मेरे सच को एक कहानी समझे। अगर तुम मेरी फैमिली को समझाओगे तो वो लोग मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। प्लीज मान जाओ ना। तुम्हारे साथ चलने में मेरा क्या फायदा,
मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, चलो ना। ए, भास्कर गांडी, रुलाएगी क्या? चल ठीक है, आता हूँ पर रात को निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ए भाई, जरा लेफ्ट में वो ढाबे पे रोकना। किस लिए? जियो का सिम लेना है, इंडिया का नंबर। तूने बॉस को ये जमीन नहीं बेची ना, अब तेरी कमी यही खोदना। भाई एकदम चौकस नंबर चाहिए। एड्रेस प्रूफ है? पासपोर्ट। अगर अब अंगूठा नहीं लगा है तो काट देना। क्या देख रहे हैं? कबर मेरे हाथों खुदेगी, उसे मेरे पास लेकर आ। मेरे पास लेकर आ। पिताजी को दिए हुए वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। लाओ मेरे पास, जल्दी कराओ। चलो रे। ए भाई, हाँ सर। मीटर की तरह फास्ट चलाना, रात को मेरे को वापस भी आना है। गाना भाई, अगर और तेज भगाया तो कर्नूल की जगह काशी पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या? भैया लगता है साले की गाड़ी खराब हो गई है। अबे रुक साले, आराम से चला, आराम से चला। सर ठीक हो गई। भैया लगता है साले की गाड़ी ठीक हो गई है। तो देख क्या रहा है। ए भाई, तू अपने पेट्रोल की टंकी फुल कर, मैं अपनी टंकी खाली करके आता हूँ। किसी को इतना बेचैन होता है पहली बार देखा है। और बोलो केम जो, धंधा पानी सब सही? ओए पहले देखो खर्चा पानी तो दे दे, चल भाई के पास चल। डिलीवरी बॉय तू अपनी औकात मत भूल, इस पैकेज को डिलीवर करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, समझा? क्या बे, मरना है तुझे? ए, आंधी से उसकी रफ्तार नहीं पूछते और सुनामी से उसकी लहर की ऊंचाई नहीं पूछते, चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर भी अगर मन में सवाल ज्यादा है, फुदक रहा है तो एक डेमो देता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा।
क्या हुआ? गाइड मेरा और तुम्हारे बॉस के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है पर उसका टाइम अभी नहीं आया। उससे पहले मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अगर उससे पहले आए तो उसी अग्रीमेंट की बत्ती बना के घुसा दो। तुम लोगों से बात करना फिजूल है। तुम्हारा बॉस तुम्हें रोज भेजता रहेगा। एक काम करो, मेरा नंबर लिखो, जल्दी नोट करो, 9703322555। नंबर आज ही अलॉट हुआ है इसलिए एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगेंगे। तब तक वेट करने का। मुझे बेचा है पटेल ऑन सेल। 50 लाख की बोली लगाई थी मैंने, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे लगा इंडिया पहुंचते ही वो मेरे घर आएगा, मगर उसने मेरे आदमियों को मारा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बुला उसे। कहाँ है? वो मेरा बेटा बेटा नहीं है, भूल गया तूने क्या कहा था? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जाके किया हुआ अपना वादा निभा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। मुझे लगा तुम हमें लेने के लिए मर्सिडीज भेजोगे। देखो ना छोटी कार में दूल्हे की क्या हालत हो गई है। नमस्ते भाई, सब ठीक है ना? क्या बात है, आजकल बहुत मर्डर कर रहा है भाई। पहले ये बताओ कब्जे वाली जमीन का क्या हुआ? 50 करोड़ में डील डन। शा मेरे भाई से शादी करवाते तो दहेज में तुमको एक कौड़ी नहीं देनी पड़ती, साथ में तुमको शांति चौक का एरिया और 5 दारू की भट्टी ऐसे ही दे देता। हीरा छोड़ के तुमने पत्थर को चुना। नरसिंह भाई, मैं तो अपने पिता से किया वादा निभा रहा हूँ। बहन की शादी ऐसे पढ़े लिखे लड़के से करवानी थी जो विदेश में रहता। इतनी सी बात? मेरा भाई फॉरन आते जाते रहता है, हर महीने काम के सिलसिले में दुबई बैंकॉक। मेरी बहन की शादी में आए हो, खाना खाओ, आशीर्वाद देके निकलो। मैं पहले ही टेंशन में हूँ, जाओ वहाँ बैठ के शादी देखो। चलो, अरे जाओ बैठो ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपत ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगल। भाई, दूल्हा भाग गया और ये लेटर छोड़ के गया। क्या बात है, मजा आ गया बाबा। पंडित को बोलो पड़ेगा। ए साले गोविंद, सॉरी सर, मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर भी लिखा है। तू ठहरा अंगूठा छाप जाहिल गुंडा। मैं इंटेलिजेंट एजुकेटेड बंदा, लेवल मैच ही नहीं होगा। क्या बोला था? पिता की आखिरी इच्छा है उम्र भर किया हुआ पाप धोने के लिए। मैं एक बलि का बकरा मिला था तुम लोगों को, अकल घास चरने गई थी तेरी। नाम को पानी में 4 बादाम डुबो के खाया कर, मगर चलने लगेगा, समझा? तेरी बहन के चक्कर में मेरी बहुत नौकरियां छूट चुकी हैं, इसलिए अब मैं तेरी बहन को ही छोड़ रहा हूँ और हूँ फाइनली अमेरिका जाऊँ छू। और तुझसे जो मैंने पैसे लिए थे उसे सूद समेत वापस कर दूंगा, और ये शादी करके अपनी जिंदगी तेरे पास गिरवी नहीं रखूंगा। तेरी तरह मैंने मर्डर्स या जमीन पर कब्जा करने में पीएचडी नहीं की है, ईमानदारी से पैसे कमाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वेट करने का। गोविंद भाई, टेंशन नहीं लेने का, उस हवन की आग से ज्यादा गर्मी मेरे भाई में, उसे शांत होने से पहले तेरी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दे। देवी, इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मुझे अपने बाप की कसम, आने वाली 7 पीढ़ियों की कसम। यहाँ बैठे सब लोग ध्यान से सुन लो, मेरी बहन का होने वाला पति पटेल ही होगा। दुनिया के सामने खोई हुई इज्जत पाने का इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं है। वो तुम्हारी बात मानेगा?
तुम उसके बारे में अभी जानते ही कहाँ हो? तुम उसे यहाँ लेकर तो आओ। उसे हाँ करवाने की गारंटी मेरी है, पर उसके लिए तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए देने होंगे। चलो बे, हमने उसे कर्नूल की तरफ जाते देखा है। तो फिर सब लोग कर्नूल जाओ, उसे उठाकर लाओ मेरे पास, बच के नहीं निकलना चाहिए। पार्वती, पार्वती, वो गोविंद यहाँ फिर से क्यों आया था? जो भी उसका नुकसान हुआ है उसी की वसूली करने आया था। लेकिन मेरा बेटा उसे पैसे भेज रहा है ना। हाँ, क्यों नहीं? अगर उसने उसको पैसे भेज दिए होते तो आज गोविंद हमारे घर पे पैसे मांगने कभी नहीं आता। जैसा बाप वैसा बेटा। सुनो जी, वो अमेरिका से वापस आ गया है, फोन करे तो घर आने के लिए कह देना। क्या पट्टू आ गया है? इतना खुश क्यों हो रहे हो? पता नहीं कौन सी नई मुसीबत लाया होगा। एक बार अगर सीता भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, आएंगे। काली जबाने नहीं तेरी। वो देख, वो लोग आ गए। बचाओ, बचाओ। That's called a surprise. Yes, real surprise. सालों अपने वतन से दूर रहा और कभी यहाँ से कांटेक्ट नहीं रख पाया, लेकिन अब चाहता हूँ कि मेरे बेटे की यहाँ किसी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में शादी हो जाए। जॉइंट फैमिली के क्या मायने हैं, मैं अपने बेटे को महसूस करवाना चाहता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। मेरे किसी दोस्त ने आपके परिवार से मिलने के लिए कहा। आपकी भतीजी जो अमेरिका चली गई, मैंने उसके बारे में तरह तरह की बातें सुनी। अच्छा, किसके मुंह से सुनी? थोड़ा शांत बैठो। अब इतनी दूर आकर मैं आपसे मिले बिना नहीं लौटना चाहता था, पर जब पता चला कि ये सीता की बहन है तो फिर रिश्ता जोड़ने में कोई हिचक ही नहीं रही। मैं आप सबको बता दूं कि आपका दामाद असली सोना है, सीता की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। वर्ल्ड इज सो स्मॉल। क्यों, मैंने सही कहा ना बेटा? इतनी छोटी सी दुनिया में इतना बड़ा दिल लेके पैदा क्यों हो गए आप? ये सेंस ऑफ ह्यूमर अमेरिका की देन है। अच्छा सर, अनजान लोगों के बीच कैसा उत्सव? उत्सव तो अपने लोगों के बीच ही मनाया जाता है। सो माय डियर लव बर्ड्स, इस शादी को उत्सव की तरह मनाना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है? एंड दिस इज एन ऑर्डर। ठीक है राजशेखर जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब ये आपकी और हमारी बात नहीं रही है, आज के बाद इस शादी की सारी बागडोर पटेल के हाथों में होगी। क्यों बेटा? ये भी यही चाहते हैं, तुम क्या कहते हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम $25,000 की लालच में ना पड़ते तो ये सब नहीं होता। देवी जी, पैसे तुम्हें भी चाहिए था, हम दोनों लालची हैं। बहस करने से कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे तुम कुछ मत करो, जो करना है मैं करूंगा। राजशेखर जी के पैरों में गिर जाऊंगा, कह दूंगा हमें माफ कर दो। नो! मेरी बहन की किस्मत से उसकी शादी अच्छे घर में होने जा रही है, उसकी लाइफ मेरी वजह से खराब हो ऐसा मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती। अगर उन्हें ये पता चला कि थोड़े पैसों के लिए मैंने तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक किया है तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। हमें कैसे भी इस सच का पता नहीं चलने देना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है कि हमें सीधा पॉइंट पे आ। बस शादी होने तक हम सो? होने तक क्या? हस्बैंड और वाइफ बने रहें। इम्पॉसिबल। मेरी भी एक बहन है, उसकी भी शादी करनी है। बड़ी आई हूँ। अब प्लीज, मेरे लिए नहीं तो मेरी बहन के लिए ही सही, शादी हो जाने के बाद मैं खुद जाकर सबको सच बता दूंगी। देर से बोला गया सर, जहर होता है उससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आ जाओ, सच्ची बोले छू, सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। हेलो पापा, केम छो? पट्टू तुम आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं? बता देता तो शौक कैसे लगता? शौक तो मुझे वो गोविंद देकर गया है। गोविंद? वो अपने पैसे वापस लेने आया था। एक सेकंड पापा, मेरी बात सुनो, कुछ दिनों तक तुम घर लौट कर मत आना। पर पापा मैंने पैसे भेजे थे। वो पैसे तुम्हारी माँ ने खर्च कर दिए, जब तक उस राक्षस को उसके पैसे नहीं मिल जाते
वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। मामला निपटने तक तुम वहीं रहना। जैसा आप कहें पापा। हाँ पापा, वो इंडिया पहुंची गई हूँ। आई एम ऑन द वे। उबर बुक करवा ली है, बस फोन रखते ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। आई एम सॉरी सीता, मुझे निकलना ही होगा। अगर तुम मुझे दिन का 1,00,000 दोगी, गौर से सुनो, 1,00,000, तब भी मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। चलता हूँ। एक मिनट, मैंने पैसों की बात तो की नहीं और ये कह रहा है 1,00,000 दिया तो भी नहीं रुकूंगा। मतलब 1,00,000 पर डे देने पर ये रुक जाएगा? Exactly, सही पकड़ रहे हैं। क्या कहा, 1,00,000 पर डे? इतना पैसा तो एक्टर्स भी नहीं लेते। हेलो, फिल्म स्टार से ज्यादा वैल्यू पटेल की होती है। अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? भिखारियों के घर रिश्ता हो गया तू। दीदी जीजू लंच के लिए आ जाओ। दीदी जीजू धंधे की बात कर रहे, बाद में आएंगे। अपना मुंह बंद रखो। गीता रुको, बस एक मिनट में आ रही हूँ। तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। बस आ रहे हैं। भाई पटेल को बिल से कैसे निकाले? फोन लगाता हूँ ना। ओके भाई। केम छो आंटी, सुप्रभात। ढोकला बनाने में मदद चाहिए, कुछ करूँ क्या? ए, पता है जब से तू घर आया है कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को? सुबह होते ही मुंह उठा के चला आया, शर्म नहीं आती तुझको? चल निकल यहाँ से बेशरम। आसू जे, खाना बनाने बोला था तो मुंह बना के चली गई। मने लागे से काम वाली टाइम पे नहीं आई। हेलो, पटेल बोल रहा है। हेलो हेलो, औरत कोई खिलौना नहीं है जिससे खेल कर तोड़ दो। औरत दुर्गा का रूप होती है। औरत अगर रक्षा कर सकती है तो तुम जैसे राक्षस लोगों का गला भी काट सकती है, हलाल कर सकती है, तबाह कर सकती है। यही एपिसोड देखने तो इंडिया आया था। अगर मुझे अननोन नंबर से फोन किया तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। बता तेरा नाम क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? जवाब दे, बोल कहाँ से बोल रहा है तू? किसका नंबर लगाया? कौन नंबर लगाया? ए, पानी से नहाना बंद करो, हमको किसी को खून से नहलाने जाना है। चेक। चेक मिला, कैश करा ले। आप तो सच में चेस के किंग हैं, फैंटास्टिक मूव। ये गया किंग और चेक में। अरे चेक बाउंस हो गया। शाबाश बेटा, देखा आपने, मैंने कहा था ना ये जीनियस है, ट्रेमेंडस गाय। अरे रुकिए। मुझे अपना फ्लाइट नंबर और अराइवल टाइम बताओ। अरे बेटा क्या हुआ, इसे क्यों तोड़ा? क्योंकि इन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, उसके हजारों टुकड़े किए। इस घर में क्या चल रहा है आपको थोड़ा भी आइडिया है राजशेखर सर? इस घर का कोई भी इंसान मेरी इज्जत नहीं करता है। इन्हें अपना बनाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मैं इस घर का दामाद हूँ, कोई भाड़े का टट्टू नहीं, घर का बड़ा दामाद हूँ मैं। आजो, ये सब सिर्फ शुरुआत है। जो जो चीजें तोड़ी जा सकती है वो सब तोड़ डालूंगा। तुम बेटी को प्यार नहीं दे सके तो वो दुनिया में प्यार ढूंढने निकल गई और अमेरिका मेरे पास आई। मैं तेरे पास नहीं आया था, तू मेरे पास आई थी कि नहीं? हाँ आई थी। जवाब दो। एक भगोड़ी लड़की से मैंने शादी की क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से है, की थी या नहीं? हाँ की थी। अब एक बात बोलो, जवान लड़की का कितना फायदा उठा सकता था, पर ओबामा के देश में जाके आदर्शवादी पति होने का अवार्ड जीता था मैंने। जीता था कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम ही जीते थे। आपको रिश्ता अच्छा लगा पटेल की शराफत की वजह से, इसलिए रिश्ता कर रहे ना? बिल्कुल सही, 100%। इतनी दूर से इनके पास इसलिए आया क्योंकि ये अपने हैं। सोचा शादी में मदद कर दूंगा, दामाद होने के बावजूद सेवा करने की सोची। घर बहुत बड़ा इनका पर दिल बहुत छोटा है। पटेल इज्जत दे रहा है तो चुपचाप लो। वो सीता का पति छू और उस नाते घर का दामाद, ये कोई टैलेंट शो नहीं जो खुद को जज समझे हो। या मैं इम्प्रेस करने नहीं, सबके साथ रिश्ता निभाने आया हूँ। या सबके चेहरे जो मुरझाए हुए फूल की तरह सूख गए ना, उनको मैं खिले हुए फूल की तरह देखना चाहता हूँ। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग है। करेक्ट है, आज से ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर इतनी इमोशनल क्यों? क्योंकि मैं पत्थर का सनम नहीं हूँ। दिल दिया, दर्द लिया, मैंने प्यार क्यों किया? ये हम साथ साथ वाली फैमिली कब बनेगी? हमारी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन हमने अब तक सुहागरात नहीं बनाई। पूछ लो इससे, नहीं बनाई है? बिल्कुल नहीं। सुना सबने, ये पटेल का कैरेक्टर है। बोल वचन में मैं अमिताभ बच्चन हूँ लेकिन वचन निभाना ही पटेल का टशन है। आई रेस्ट माय केस। सिंपली फैंटास्टिको। सुने रेडप्पा जी, अब जो हुआ सो हुआ, अपने ईगो को भुलाकर नई शुरुआत करो। आगे क्या करना है उस पर फोकस करो। एंड यू माय डियर, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। ना हम में कोई ईगो है और ना ही हम लोग इससे गुस्सा है। हम तो लाइफ में पहली बार इससे मिले। बेटा मैं तुम्हारा दुख और
परेशानी समझ सकता हूँ। चलो सब एक साथ लंच करते हैं। सोतियो, तुम्हें भूखने लगी है? आज मेरा उपवास है, तुम कहते हो तो। नहीं नहीं जावा दे। भाई साहब, हैदराबाद में कुछ काम है तो मुझे निकलना होगा। वैसे मेरा बेटा इंडिया में कुछ दिन रुकेगा, अगली दफा हम साथ ही आएंगे और शादी तक यहीं रुकेंगे। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी सुहागरात नहीं हुई है? Yes! पीने से पहले सर पे चढ़ गई। अब अच्छे से सुन ले, एक साल में एक बेटा चाहिए, सही है ना? थोड़ा पानी मिलाऊं क्या? ए, क्या कर रहा है? पैग बुरा मान जाएगा। एक ही साथ में पूरा ग्लास पी गया। मैं भी ट्राई करता हूँ। इतनी सुंदर लग रही हो, तुझे देखते ही बेहोश हो जाएगा। अगर बेहोश हो गया तो फैमिली प्लानिंग का क्या? मेरे नए नवेले रिश्तेदारों, मुझे आशीर्वाद दो। आज रोमांस करूंगा विद लूंगी डांस और तुम्हें दूंगा मामा चाचा बनने का चांस। सीता तो गया। सीता सारू लाग छे। अरे वाह, आज तो एकदम मलाई कुल्फी लग रही है। खुशी से पागल हो गया हूँ। बिना शादी के खर्चे के सुहागरात मनाने मिल रही है, इससे ज्यादा और पटेल को क्या चाहिए? बोल। रुक जाओ, सीता नाम है मेरा, मुझसे पंगा मत लेना। पहली रात में घबराहट हो रही है। मैं प्लान बताता हूँ, पहले इधर किस करूंगा, फिर नोज के हाईवे से धीरे धीरे होठ तक आऊंगा, फिर गले पे किस करके और नीचे जाने की कोशिश की तो चिल्ला दूंगी। चिल्लाना चाहती हो? तुम्हारी चीख सुन के अंकल और आंटी का भी मूड बन जाएगा, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों बिना वजह इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ाना चाहती हो? चल अपने प्यार का पितारा खोलते। मैं तो भूल ही गया, सुहागरात की पेमेंट की तो बात ही नहीं हुई। पटेल फ्री में कोई काम नहीं करता, फिर से उस काम में कितना भी मजा हो या फिर सजा हो, पटेल के उसूल एक नंबर छे। बेटा, घर लौटने तक रास्ते में किसी से भी बात नहीं करना, मौन व्रत रखना। इंटरेस्टिंग, पर ऐसा क्यों? सुहागरात के बाद लड़कियां एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा पाने के लिए ऐसा करती हैं। जीजू, अगर आपने दीदी को बोलने पर मजबूर कर दिया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे? लालच के लिए नहीं, चैलेंज के तौर पे करूंगा। सीता, ये सब खेत हमारे ही है ना? हमारे नहीं, मेरे हैं। एक ही बात है, एक एकड़ जमीन की क्या कीमत होगी? मेरे को मालूम है पर बोलूंगा नहीं। अबे साले साहब, रस्मों की वजह से तुम्हारी बहन मुंह पर ताला लगा के बैठी है, टाइम पास कैसे करूं? और तुम मुझसे नाराज हो रहे हो? 100% नाराज हूँ। पहले मेरी बहन को भगाया और फिर मेरी फिल्म की स्टोरी से सारा थ्रिल निचोड़ लिया। सो बोलियो, तेरी स्टोरी से थ्रिल निचोड़ लिया? और नहीं तो क्या, फिल्म का राइटर बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। इसके भागते मैंने कहानी भी लिख डाली और तेरे वापस लौटते ही मेरे क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स बन गया। सालों बाद अच्छी कहानी मिली थी, वो भी बेकार। छी छी, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बस इतने नानो प्रॉब्लम्स है, तुझे सिर चकराने वाला ट्विस्ट चाहिए ना? ठीक है, यह कहानी काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे घर से भागे हुए हीरोइन का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ कार में योगा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। कार में योगा कैसे होता है? अरे गधेड़ा, पीके में देखा नहीं क्या, डांसिंग कार वही वाली। वाह, उसके बाद? उसके बाद मुझ जैसे हीरो की एंट्री होती है और लड़की को बचा के वो अपने घर ले जाता है। अमेरिका में धोखा या छोटी बहन की शादी, वहाँ टेंशन या फंक्शन। समझा, शादी इंडिया में, टेंशन अमेरिका में। मैं ऐसा ही कुछ ट्विस्ट ढूंढ रहा था। स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट किधर है? असली कहानी तो अब शुरू होगी। 1,00,000 रुपए में मैं यानी हीरो उसका पति बनने के लिए मान जाता हूँ। धंधों पर। बोलना सीता, बोल क्या बोलना चाहती, दिल खोल के बोल। मुंह बंद रख बहना, ये स्टोरी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स नकली हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? पिक्चर अभी बाकी है, पता चल जाएगा। यू आर जीनियस। टाइटल होगा 1,00,000 रुपए की बात और कास्टिंग करेगा ऋतिक या सलमान की। इतने बड़े एक्टर्स को लेंगे तो प्रोड्यूसर की लग जाएगी। छोटे बजट की बड़ी फिल्म बनाएंगे। मनीष शाह की पटेल और जेल, यूट्यूब से लेकर सैटेलाइट तक सुपर हिट। मुझे भी प्रीमियर में बुलाओगे ना? ए तो नारियल बैच, टिकट खरीदने की औकात नहीं है, पड़ोसन के घर पे बैठ के देख लेना। ईश्वरी कृपा से सब कुछ ठीक से हो गया। पिछले साल तो रुक जाओ, तुम्हें गांव से निकाला था, वापस कैसे आया? डेडप्पा ने सिर्फ गांव से निकाला था मुझे, मंदिर में तो आ ही सकता हूँ ना। तुम्हारे जैसे पापी आएंगे तो मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन आप है कौन? हम इस गांव के पंच हैं। अच्छा, इसलिए 5 इकट्ठे घूम रहे हो? आप मेरे दर्शन क्यों कर रहे हो? मैं तो भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। अब भगवान को मुझ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? चलो चलो, हवा आने दो, चलो। बदलाव सभी चाहते हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता।
घटिया स्टोरी को कोई फाइनेंसर मिल जाए तो मैं 2 ट्रक नारियल चढ़ाऊंगा भगवान। ये सीटी हीरो की एंट्री पर बजाते हैं। मेरी लाइफ के असली हीरो तो यही है, तो फैन उनको देख के सीटी नहीं बजाएगा क्या? जीजू तेरी बात में दम है। बाबू गोत्र और नाम क्या है तुम्हारा? पंडित जी लेडीज फर्स्ट। इसकी पूरी जन्म कुंडली मुझे पता है, इसे बचपन से जानता हूँ। इसकी एक खासियत है, ये एक जगह कभी नहीं रुकती, हमेशा भागती रहती है। ये आज भी वैसे ही है, बचपन में मंदिर में भागती थी, अब पतली गली से अमेरिका भाग गई। बोल 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 ना सीता, मन में जो भी बात है बिंदास बोल डाल, मन हल्का कर ले। बोल ना, नुकसान क्यों कर रही है? माल गया। मुझे छोड़कर सब पर कृपा कर रहे हैं भगवान, मेरी तरफ भी देखो, मेरी तरफ भी दे। हे भगवान, मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों? वापस काहे को आई? एसी फर्स्ट क्लास का मैंने टिकट निकलवा के दिया, फ्रूट्स दिया, पानी दिया, फिर भी तुम रिटर्न? अरे मैंने कितनी विनम्रता से तुम्हें समझाया था कि लौट कर मत आना, फिर भी तुमने मेरा घोर इंसल्ट किया। फ्रस्ट्रेशन, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे चाचा से बदला लेना ही पड़ेगा। लेता हूँ तुम्हें अगवा करके। भगवान तुम रियल हो, लेके चलो इसे। मैं तो बैठा, और कितना पकड़ेगा? अगर तुम भाग गए तो? अरे नहीं भागूंगा गधेड़ा, तू चल ना। तुम्हारा अमेरिकन बॉयफ्रेंड लगता है इसने इंडियन फिल्में नहीं देखी, वरना मुझ जैसे खोखार मिलन से पंगा लेने के लिए इन हिजड़ों की फौज नहीं लेके आता। चल आंदे 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 चल। बार मुंह से बात करनी है या हाथ से लात खानी है? पूछ रहा हूं, बात करेगा या मार खाएगा? बात करेंगे ना? तेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ है तो जाके उससे बदला ले। हम दोनों की लव स्टोरी में उंगली मत कर। ये उस घर की बेटी हुआ करती थी, पर अब ये मेरी बीवी है, इसलिए अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उसका इतना बुरा हाल करूंगा कि यमराज भी उसे पहचान नहीं पाएगा। अरे पटेल इतनी पटेली क्यों कर रहा है? कूल डाउन मैन। अबे बुच्चे, तू पहले मेरी बात प्यार से सुन लेता तो तेरे आदमियों को मारता ही नहीं। अब पगार के अलावा तेरा मेडिकल का खर्चा भी बढ़ गया है कि नहीं? पटेल को बजट से बाहर जाने वाली चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, और तू तो ओवर बजट जा रहा है, इसलिए कंट्रोल कर वरना तेरा अकाउंट क्लोज। ऐसा क्या? ये सब जावा दे, फिर भी तेरा मेरे साथ लड़ने का कभी मन किया तो नंबर नोट कर, जल्दी नोट कर। 9703322555555। ऐसा क्यों? सिचुएशन डिमांड। लोगों की फैन फॉलोइंग होती है और पटेल की फोन फॉलोइंग। भैया जी आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्रिकेट में 6 रन बनाने के लिए 1 बॉल काफी है, लेकिन अगर सेंचुरी मारनी हो तो कुछ डॉट बॉल्स भी खेलनी पड़ती है। रेडप्पा को मैं एक दिन रन आउट करके ही रहूंगा, और उसके बाद ही मैं मेरी सेंचुरी पूरी करूंगा। ओ साले साहब, जब गुंडे इसको लेकर जा रहे थे तो ये अपना मुंह खोल के चिल्ला नहीं सकती थी? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अगर लड़की ने कुछ बोल दिया तो पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। अच्छा
अच्छा साले, तुम लोग संभल कर घर चले जाओ, मैं एक पुराना अकाउंट सेटल करके आता हूँ। आदमी है अबे, मैं क्या द्रौपदी हूँ जो मेरे इतने आदमी होंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज का फाइट सीन अपनी फिल्म में रख सकता हूँ? मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ जो हुआ वो घर पे मत बताना। सही टाइम पर लिफ्ट देके तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, हाईवे मिल जाएगा, मैं चलता हूँ। ए शाणे, एक्टिंग कर रहा है क्या? हाँ भैया, अभी शुरू की है और फैंस को अच्छी भी लग रही है। हमारे बॉस ने अपनी बहन से शादी करने के लिए तुम्हें दहेज में पैसे दिए थे और तुमने किसी और को पत्नी बना लिया। नकली शादी की है पैसों के लिए, उन पैसों से गोविंद का उधार चुकाऊंगा, इसको बोलते धंधा धंधा। दुर्गा ने अभी तक शादी नहीं की। तू बात करूं जी, अब तक शादी नहीं की? तुम ही भाग गए तो वो किससे करती? अरे दुर्गा की शादी हो इसीलिए तो भागा था। अबे क्या बात कर रहा है? अरे खबर छह, उस दिन क्या हुआ था, चक्कर आ रहा है। इतना दर्द भरा फ्लैशबैक मुझसे सुनाया तो नहीं जाएगा, पर पब्लिक की डिमांड है तो सुना देता हूँ। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? शादी से पहले ये सही नहीं। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे तो किसी और से प्यार है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अपने भाई को ये सब क्यों नहीं बताया? उसे टपका देगा और फिर तुमसे शादी। तो आप क्या प्लान है? अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, अगर एक साल में बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो फिर उसके साथ भाग जाऊंगी, नहीं तो तुम तो हो ही। और सुन लो, ये राज राज ही रहे। शादी के लिए इतना भरा पड़ा था, सारे अरमानों पर पानी फिर गया और मैं विलन बन गया ताकि दुर्गा खुश रह सके। अमेरिका में ताने सुनता रहा, वो देखो भगोड़ा दूल्हा, ये अपनी शादी से भाग गया था। पैसे के कर्जे से ज्यादा मैंने गालियां जमा कर ली। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो ये बात गोविंद को जाके बता सकते हो। ठीक है, हैदराबाद चल के भाई को ये सब बातें फेस टू फेस बता दो। चलता ना, जरूर चलता, पर शादी करवानी है, वो करवाते ही आ जाऊंगा। इससे क्यों पूछ रहे हो? इस साले को फोल्ड करके सीधे भाई के पास ले चलते। पटेल प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सर पर चढ़ जाओगे। एक बात तो समझे गए, दांतों के भूत लॉलीपॉप से नहीं मानते। लगता है तुम सब लोगों को फाइट का रिपीट टेलीकास्ट दिखाना ही पड़ेगा। तू रहने दे भाई, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब बता क्या करना है। हमारे साथ शादी माँ चलो। क्या मतलब? मतलब साफ से, जैसे ही शादी हो जाएगी गोविंद के पास ले चलना। भाई ये उल्लू का बट्टा हमें उल्लू बना रहा है। सच में? इतना खर्चा करके इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो। अरे कुछ दिन गुजराती मेहमानी के मजे भी ले लो ना, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। घर वालों से क्या कहोगे? ये मेरे मामेरे और मौसेरे भाई छे। मतलब रिश्तेदार? इनके माथे पर तो गुंडा लिखा है। ये सच है, हम उसको मारने, सॉरी हम पट्टू भाई की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं भी उसको मारने, सॉरी मैं पट्टू भाई का रिश्तेदार हूँ और मैं एक बड़ा पुजारी हूँ, मंदिर से आया हूँ। मैं गरीबों की मदद के लिए पार्ट टाइम एनजीओ चलाता हूँ सर। मगर सारी लेडीज कहाँ हैं? मिली नहीं ना, इनको लड़की मिली नहीं, बेचारे सबके सब आज तक गंवा रहे हैं। कुंडली में लिखा है 10 साल तक 100 लोगों की शादियों में अगर ये सेवा करेंगे तो इनको अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसलिए मैं इन गुंडों को, मेरा मतलब है कि मेरे रिश्तेदारों को इनवाइट करके यहाँ पर ले आया। बहुत अच्छा किया, अब एक्स्ट्रा नौकरों की जरूरत नहीं है, ये लोग तो फ्री में काम कर लेंगे। मंडप बांधने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम इनसे करवाएंगे। कम बोल वरना ये तुझे भी धो डालेंगे। मतलब सब रिश्तेदार मिलजुल के काम करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, सबने अपना इंट्रो दे दिया ना, चलो अब चलकर फ्रेश हो। मेरा इंट्रो तो बाकी रह गया। ये कौन है? मामा? बोले तो मामू? Yes, I am मामा श्री, but not that guns मामा। तुम्हारा पट्टू पटेल मेरे साथ काम करता है। अचानक गायब हो गए, तुम तो यही पर सेटल हो गए, बेचारा वाकई होटल एकदम अनाथ हो जाएगा। पर ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है ना? हो? तो तुमने ये बता के रखा है, और ठीक है। अगर एप्पल नाम से मोबाइल कंपनी हो सकती है तो फिर होटल के नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं? सॉफ्टवेयर ही है अवाकाई सॉफ्टवेयर। सीता, पट्टू को किसी तरह पटाओ, अगर ये नहीं लौटा तो अवाकाई के पूरे स्टाफ को सब्जियां बेचनी पड़ेंगी। अपने स्टाफ की इतनी चिंता दी तो वहीं रुक जाना चाहिए था ना, इधर क्यों आ गए? वो क्या है कि सीता की बहन ने फेसबुक पर इन दोनों की फोटोज अपलोड कर दी, मुझे पता चला कि यहाँ शादी है। मामा के आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकती है? जेट लैग लॉन्ग जर्नी, आई वॉन्ट रिलैक्स, वेयर इज किचन? जेट लैग है ना, जेट लैग में ऐसा होता है भाई, वेयर इज माई बेडरूम बाथरूम? गीता की शादी की वजह से हमें अचानक इंडिया आना पड़ा और फिर इंसानियत के नाते मैं मदद करने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, सच में? अरे बासी चावल को फटे दूध में मिलाकर उसकी खीर बनाकर बेचने वाले, तू क्या किसी की फ्री में मदद करेगा? मुझे मामू मत बना, गैस होने लगती है। कुछ भी मोहतरमा साहब की पर डे फीस कितनी है? अरे फ्री में कर रहा हूँ। तुम बहुत बुरे फंसे हो, और नहीं फंसना है तो 50% मुझे दो। फेयर नहीं है, जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तुम ब्लैकमेलिंग के बिजनेस में क्यों नहीं? पैसा बोलता है, बोलो मनी मनी। व्हाट व्हाट लगने वाली है तुम दोनों की, जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। देखो, क्या कलयुग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? क्या पाप का इंटरनेशनल घड़ा भर चुका है? क्या पता, मे बी
एक शातिर लड़की जिसने अपने ही घर वालों के खिलाफ भयानक साजिश रची, जिसने अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ा, एक बार नहीं दो दो बार उन्हें धोखा दिया। क्या फैमिली में वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं रही? कौन है इसका असली जिम्मेदार? आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कपल जिसने अपने ही घर वालों को चीट किया। गौर से देखो इन्हें, गौर से देखो। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना, ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? बोलो क्या बोलते हो? यह बहुत बड़ी चीटिंग है। एक राज को छुपाने के लिए कब से मेहनत कर रहा हूँ? मैं भी तो इस राज को राज रखने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा हिस्सा। उठो, जल्दी से उठो, राजशेखर अंकल अपनी फैमिली के साथ पहुँचने ही वाले हैं। जल्दी से उठो। 6 बजे उठना लक के लिए अच्छा नहीं होता, 9 बजे उठूंगा। तुम्हें कैसे उठाना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। Get up! माफी मांग जल्दी से। सॉरी। कान पकड़ के चल चल चल, कान पकड़ जल्दी। सॉरी। चलिए तो। अबे बोल पटेल सर। पटेल सर। सॉरी। बाहर में जाओ। बोल पटेल सर सॉरी। वहाँ टकरू है, छोड़ना मत उसे। हाँ, छोड़ना मारिए। फ्री एंटरटेनमेंट लगे रहो, इस घोड़ी की लगाम तुम ही संभाल सकते हो। आज अचानक होम मिनिस्टर के पास क्यों? अबे कर्नूल हमारा इलाका नहीं है, होम मिनिस्टर की मदद से काम आसान हो जाएगा। सो यू वॉन्ट मिस्टर पटेल, लेकिन तुमने तो कहा था वो मिडिल क्लास से है, तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे स्टेटस का लड़का मिल जाएगा। मैंने उससे अपनी बहन की शादी करवाने की कसम खाई है, ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी। सुबह सुबह काम की मीटिंग के लिए काय को बुला रहे हैं आप? उनके बाथरूम का टाइम होता है, अभी बुला लिया तो बोल 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 जल्दी बोल। ए दासू, हमसे बराबरी? ए दासू का मुकाबला सिर्फ दासू कर सकता है, तू कौन है बे? पापा अभी ठोकता साले को। शांति से काम लो दासू, दुश्मनी भारी पड़ेगी। धमकी किसे दे रहा है तू? अबे दुश्मन के मोहल्ले में जाकर सबको उड़ा देता हूँ, तू कौन है बे बता मेरे को? तेरी समाधि इधर ही बनाऊँ क्या? अबे इधर का ड्रोन अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बोला ना धीरज रख। दासू अब हमें एरिया बांट लेना चाहिए। तू कौन होता है एरिया बांटने वाला? सारे बाहर की कमाई मेरी और पान पट्टी तेरी, सिनेमा हॉल मेरा, साइकिल का पार्किंग तेरा, सारी खजूर मेरी और कुटली तेरी बे। क्या बोल रहा है? अरे छी छी छी। अरे लोगों सुनो, गोविंद ने अपने बाप को मार दिया, आज बाप मरा कल बेटा मर जाएगा, अब से मेरा राज। पापा, मैंने कहा था ना दिमाग को शांत रख के काम करो। सॉरी पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जिंदगी में कब कौन सा काम सही किया है? पापा, दुनिया में जिस किसी ने गलत तरीके से पैसा बनाया है उसका अंत किसी बुलेट से ही हुआ है। बेटा अपनी बहन की शादी किसी नेक इंसान से करवाना। बोलिए पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चावा और एक डॉट नेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढना। तुम्हारे पापा की वजह से ही मुझे ये इज्जत, ये पावर मिली है। भूल जाओ उस लड़के को, भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे भूल जाएं? आज से उसे ढूंढना मेरा काम है। ए, डीएम को अभी फोन लगाओ, फौरन लगाओ। वो लड़का हैदराबाद में नहीं है, कुरनूल में है, इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है। हो जाएगा, मैंने कभी मना किया है क्या? पर मेरा काम करूंगा, पहले इनसे बात। नमस्ते बुच्ची जी, मेरा नाम गोविंद गौड़ है। हाँ मैं सब जानता हूँ, बस उस छोकरे की तस्वीर भेज दो, मैं उसे उड़ा दूंगा। उसे मारना नहीं है, जिंदा चाहिए। जिंदा हाजिर करता हूँ, उसमें क्या है? थैंक यू। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम करता हूँ, आप मेरा काम करोगे कि नहीं? क्यों नहीं भाई, जरूर करते। वैसे इस वक्त मेरे सारे आदमी कुरनूल में ही है, आप टेंशन मत लो, मेरे आदमी आपको पटेल की एक फोटो ला के दे देंगे। फोटो
फोटो आप ऊपर से? उसने यही कहा, सिचुएशन इज क्रिटिकल। एग्जैक्टली भाई, ये जो बूची है इसने तुम्हारे बॉस को देखा है? मुझे नहीं लगता है, सिर्फ फोन पे ही तो बात की है। तो बूची को अपने बॉस का फोटो भेज दो। What? आ भाई, बूची तुम्हारे बॉस को कहाँ पहचानता है? वो तो तुम्हें पहचानते ना, तुमने उनकी धुलाई जो कर दी। मैं उसके लिए सीता का हस्बैंड हूँ, पर उसे नहीं मालूम वो जिसे ढूंढ रहा है वो पटेल मैं ही हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया, काश तुम्हारी जितनी अक्ल मुझे होती। यही वो कुत्ता है जिसे हमें पकड़ना है। मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, हमारे गांव में घूम रहा है, बुच्ची से बच के कहां जाएगा। अरे मामा ड्राइडे बेबी। बोतल का बोझ उठाना मजबूरी है, बोझ हल्का करने के लिए इसे हलक से नीचे उतार लेता हूँ। अब बोलिंग करने की क्या जरूरत है, यहाँ सबको क्लीन बोल्ड तो कर चुके हो। बहुत हो चुका क्रिकेट, मेरा आज का पेमेंट दो। I am excited। अब अच्छे। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। कयू पेमेंट? मैं नहीं पता कौन सा पेमेंट। नदी। अभी पता चल जाएगा, लैपटॉप देखकर सब याद आएगा। कयो लैपटॉप, कयो पेमेंट, मगर जगह पे क्या घूमने गया है? मानना पड़ेगा, भूलने की एक्टिंग अच्छी है। थैंक यू। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मेरी लाठी में डिजिटल डॉल्बी साउंड सुनाई देता है। राजशेखर सर, कह दो दिल की बात अगर। राजशेखर सर, नारायण राजशेखर सर, रेड अप्पा सर, ऑल फैमिली मेंबर्स, एवरीबॉडी वेलकम। फास्ट, एक स्पेशल शो शुरू होने जा रहा है। क्या कलयुग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? क्या पाप का इंटरनेशनल घड़ा भर चुका है? क्या पता, maybe। एक शातिर लड़की जिसने अपने ही घर वालों के खिलाफ भयानक साजिश रची, जिसने अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ा, एक ऐसा चीटर कपल। गौर से देखो इसे, गौर से देखो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बिना घर वालों के हमें इस तरह अमेरिका में शादी करनी पड़ रही है। फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं? चिंता मत करो सीता, हम उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। मेरी वजह से मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। मेरे अंकल और आंटी बहुत परेशान होंगे, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मन कर रहा है कि इसी वक्त उनके पास चली जाऊं। उन सबकी बहुत याद आ रही है। बिल्कुल फिक्र मत करो सीता, तुम्हारी बहन की शादी के लिए हम इंडिया जाएंगे। हम तुम्हारी अंकल और आंटी का आशीर्वाद जरूर लेंगे। ये मेरा बस यही है। कैसा लगा मेरा शो? जानकर खुशी हुई कि तुम अपने वतन से दूर रहकर भी अपने संस्कार को बिल्कुल नहीं भूले, क्यों क्या कहते हो? आपने सही कहा बेटा, शुरू में हम बेशक तुमसे नाराज रहे, लेकिन हमारे दिलों में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार था। चिंतामणि जी, आज तक हमारा दामाद हमारे घर में था, लेकिन अब से हमारे दिलों में रहेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ। क्रेडिट मेरा सर, सब उल्टा पुल्टा हो गया। मानना पड़ेगा, सीता में भी एक्टिंग का वायरस घुसा दिया, अभी तक एक्टिंग का बुखार उतरा नहीं। एक बात बताओ, मेरे वीडियो में ऑडियो चेंज करने का क्रेडिट किसे दूं? टेक्नोलॉजी में इंडिया हॉलीवुड को टफ दे रही है, 50-50 साल के बुजुर्गों को जवान करके दिखा रही है। यानी ये सब तेरी कारस्थानी? डब डायलॉग सुन के बड़ा मजा आया, ओरिजिनल डायलॉग सुन के जरा भी सदमा नहीं लगा? सदमा कहीं को लगेगा, अरे उल्टा थ्रिल मिला ना, साइलेंट वीडियो पे क्रिएटिविटी का जलवा दिखा दिया, इसी काम में तो मजा आता है। ऑडियो इरेज कर दिया, उसे साइलेंट वीडियो दिया, स्मार्ट बॉय। मेरी लाठी में डिजिटल डॉल्बी साउंड है। कहा था लेकिन उसका क्या? पटेल को ब्लैकमेल किया तो साउंड की तरह तेरे को भी इरेज कर दूंगा। आजा। दुर्गा, दुर्गा। अरे हाँ भैया, उस दिन कैश दिया था वो ला दो ना। भैया वो पैसे तो खर्च हो गए। 3 महीने में 25 लाख खर्च हो गए, सुपर। क्या खरीदा? हीरो का हार। पैसों के बारे में बताने से पहले मुझे कुछ और बताना है। क्या हुआ दुर्गा, कोई परेशानी? मैं अकेली इस घर में बहुत बोर हो जाती थी, बात करने के लिए भी कोई नहीं था सिवाय इन 4 दीवारों के। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, पर वक्त बिताने के लिए मेरे पास टीवी और किताबों के अलावा कुछ नहीं था। मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था। आप मेरी परेशानी तो समझते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं जिंदगी से क्या चाहती थी। सच तो ये था कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था, और तभी असगर मेरी जिंदगी में आया। ऐसे किधर होना जी? क्या चीज है भाई, काला रंग का टुकड़ा। Oh, 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 oh
एसी ठीक कर लिया हूँ, एक बार देख लो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, मेरा मतलब रिपेयरिंग अच्छी हुई है। उस दिन से मेरा एसी हर रोज खराब होने लगा और मैं उसे हर रोज बुलाने लगी। ये मेरे पापा हैं। हाँ सेम टू सेम। थैंक यू यार के लिए एसी वाला है। यही मैंने असगर से भी कहा। अरे क्या बातें कर रहे हैं यारो, मेरा साइड बिजनेस भी होना, चल निकल ले। आवाए पतंग 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 बेच के करोड़पति बनने में सारी उम्र निकल जाएगी, इसके अलावा कुछ और। दुबई में दुकान खोलने गए लेकिन रोकड़ा नहीं है। कितना? तीन महीनों से उसका फोन नहीं आया, उसने मुझे चीट किया भैया, उसने मेरे पैसों से प्यार किया मुझसे नहीं, मुझे माफ कर दो भैया। इस बारे में किसी और को बताया? नहीं भैया, मुझसे भी ज्यादा आप मेरा भला बुरा समझते। असगर जिससे मैंने इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, पट्टू को सब पता था लेकिन मेरे कहने पर उसने सारा दोष अपने सर पर ले लिया। अब पट्टू के साथ ही मुझे अपना सारा जीवन बिताना है। जो हुआ उसे भूल जाओ, हैदराबाद सिकंदराबाद बन जाए या सिकंदराबाद हैदराबाद, तुम्हारी शादी उसी से होगी। अरे वेंकट, हाँ भाई, तू कर्नूल में ही है ना? हाँ भाई, मैं तीन घंटों में आ रहा हूँ। ठीक है भाई। चतुर्व, तुम लोग यहाँ संभालो, मैं अकेला कर्नूल जाऊंगा। लानत है, जब कुछ से ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल पर भरोसा करेंगे तो यही होगा। पानी और मलाई वाला नारियल देना। तो शत्रु, पार्वती देवी से जाके पूछ पटेल घर पहुंचा कि नहीं। नहीं, पटेल तो नहीं, इस नाम के हजारों लोग होंगे दुनिया में। पूछना कब से अमेरिका से आए हुए, अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? जल्दी कर। अमेरिका? और काम का क्या मतलब है? आज के जमाने में हर घर से एक ना एक आदमी अमेरिका जा रही है। और कहना हम पैसे देने के लिए तैयार है, वो पैसे के लिए कुछ भी, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो अपनी पटेल है। सर मैं पटेल को जानता हूँ, उसका एक असली बाप है, सौतेली माँ और एक बहन है, क्या वही है? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यू आर लक्की फेलो, ये लो आओ मेरे साथ। मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, हमारे गांव में घूम रहा है, उच्ची से बच्चे कहा जाएगा। अबे जो कुछ भी बोलना है गोविंद भाई के सामने बोलना। अरे ओए टेलीफोन, ए गोविंद को फोन करके बोलना पटेल को पकड़ा है और बाय वन गेट वन फ्री में एक जोकर को भी लाए हैं साथ में। भाई वो फोन नहीं उठा रहा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमने उस फोटो वाले को दबोच लिया, खुशी से उछल पड़ेगा। जैसे तू अभी उछल रहा है। क्या बोला रे, तू चाहते तेरा फोन मैं उठाऊं? ठीक है, तेरी किसी आइटम का फोन हो तो चलेगा। भाई भाई भाई, उसने फोन उठा लिया भाई। मैं गोविंद से बात करता हूँ, तू इसके आइटम से बात कर, चलाश कराश कर। हेलो भाई, पक गए क्या? हेलो 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 हेलो, मैं ही तो गोविंद गौड़ हूँ, मैंने ही तो तुम्हें पटेल को उठाने का काम दिया था। क्या यानी तूने ही मिनिस्टर के घर से? उस दिन मिनिस्टर ने अपने फोन पर तुमसे बात कराई। एक 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 काम कर, ए ए ए ए ए फोन उसको दे, ये लो। तू 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 बात कर, मैं चेक करता हूँ। हेलो, मैं गोविंद गौड़ बोल रहा हूँ। ऐसी आवाज नहीं थी, कुछ अलग थी। हेलो, नमस्ते बुच्ची जी। हाँ अभी लग रहा है। मेरा नाम गोविंद गौड़ है, दरअसल मुझे एक आदमी उठवाना है। उसे मारना नहीं, वो जिंदा चाहिए। ए, वही आवाज वही डायलॉग, अरे तू तो वही। हाँ, तो पिछले एक घंटे से मैं और क्या कह रहा हूँ, वो पटेल कहाँ है ये जोकर जानता है, हाथ खोलो इसके। तुम खुद तो
कर्नूल किंग कहते हो, ये अपने आप को हैदराबाद का डॉन समझता है। एक वहाँ गधे चलाता है, दूसरा यहाँ झड़ मार रहा है। दोनों फिसलती और एक नंबर के फेलियर हो। हाँ वेंकट भाई, हमने पटेल को पकड़ लिया, बोलो क्या करने का। इस जगह का नाम क्या है? कर्नूल माइंस। उसे लेकर कर्नूल माइंस पहुंचो। मेरे आदमियों ने उसको पकड़ लिया है, वो यहीं लेकर आ रहे हैं उसे। अच्छा, तुम उस गैंगस्टर वेंकट की बात तो नहीं कर रहे हो? मतलब अबे कमाकल दिमाग से पैदल, उसने पटेल को नहीं पकड़ा, पटेल ने उसकी गैंग पर कब्जा किया है। आज हमारा पोल खुलेगा। उसने कहा तुम्हें कर्नूल ले आऊं और फोटो भी मंगवाया। काम कर, मुझे रस्सी से बांध के मेरे फोटो उसको भेज दे। तुम तो कमाल के हो भाई। भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया है। वो क्या होता है? कितने पुराने चावल हो, व्हाट्सएप भी पता नहीं। अच्छा वो क्या करूं? व्हाट्सएप चेक करूं ना भाई? बस क्या। हाँ ठीक है, करता हूँ। अरे दुर्गा। हाँ बोलो भैया। वो मेरे फोन पे कोई व्हाट्सएप करके कुछ है? हाँ है ना। उसमें फोटो कैसे देखते हैं? ग्रीन कलर का आइकन दिखेगा, उसे बस टच कर देना। हाँ मैं देख लूँ। हाँ अबे बिना भेजे के सांड, अगर वो उसे यहाँ ला रहे होते तो फोटो कार में खींचते, शादी के मंडप में नहीं। वहाँ बारातियों का स्वागत कर रहे हैं क्या? ए, ये शादी के मंडप में क्या कर रहा है? कार वाली फोटो भेजो। मुझसे मजाक कर रहे हो? ठीक है कार वाली भी भेज देता हूँ। ये देखो इस बार कार की फोटो आई है। तू है ये गधा, वो व्हाट्सएप पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इतनी देर में वहाँ शादी हो चुकी होगी, अब वो तुम्हारे लिए थोड़ी रुकेगा, गुर हो जाएगा। आखिर मुझे रेडअप्पा और फैमिली से बदला लेने का मौका मिल ही गया, अब उसका इस दुनिया से बैकअप नक्की। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मैं बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ, सच पता चलने के बाद राजशेखर हमें गोली ना मार दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद हम यहाँ थोड़ी रुकेंगे, भाग जाएंगे। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। वैसे आकर करेंगे क्या? तुम्हें नहीं पता? अरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अभी आई। भगवान मंगल इंद्र हरि नमस्ते जानते जानते आफ्टर सो मेनी इयर्स तुम्हारी फैमिली की इज्जत मेरे हाथों में आ गई। ए, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सवाल हिम्मत का नहीं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा डुक डुक करने लगेगा तेरा कलेजा। बैड न्यूज देने का मोहरा टल न जाए इसके लिए डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारी ये भतीजी और इस छोकरे की कभी शादी हुई ही नहीं थी। अरे वो जोकर और गोविंद भाई किधर गए? अरे अरे गोविंद भाई आगे आइए ना, आप भी बोलिए, बात सही है ना? गोविंद भाई की बहन से शादी करने का वादा करके उस लड़के ने 50 लाख का सौदा किया था। और 50 लाख लेके वो सीधा अमेरिका भाग गया। मेरी बात झूठ लगती तो पूछ लो इससे। गोविंद भाई मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, प्लीज ये शादी हो जाने दो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरी बहन से गलती हो गई, जिसका एहसास उसे हो चुका है अब वो तुमसे शादी करना चाहती। लेकिन मैं बटो, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। पर इस बार भागने की कोशिश मत करना, वरना मजबूरी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों हवा निकल गई क्या? हीरो की तरह कॉलर ऊपर करने वाला शेर जमीन चाटेगा बिल्ली बनके। एक बात तो बता, मेरी जब दूसरी शादी हुई थी तब मुझे गांव से निकालने का फरमान दिया था ना तूने, ये बात याद है कि भूल गया? अब ये तेरी बेटी और उसका नकली पति उनको भी गाँव से बाहर निकाल देगा क्या? गाँव वालों जो इन्होंने मेरे साथ किया वही अपने घर वालों से करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बेटा ये क्या है, ये बकवास कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो? बस बेटा तुम एक बार कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, मैं इस कमीने की जान ले लूंगा। चुप हो जाओ। देखो बेटा तुमने धोखा दिया है नहीं मैं नहीं जानता, जिस इंसान पर इतने सारे आरोप मैं उससे कभी अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगा। प्लीज सच बताओ। सच मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए सबसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। जिसकी वजह से मैं भागकर अमेरिका गई वो ये लड़का नहीं है। जब भी आप लोगों को याद करती थी अपने आंसू रोक नहीं पाती थी,
मन करता था उड़कर आ जाऊं और अपनी आंटी को दिल का हाल बताकर खूब रोऊं। कई बार सोचा कि सब सच तक बता दूं, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। उस वक्त इसी ने मुझे संभाला और मुश्किल हालात में मेरी बहुत मदद की। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। जैसे ही हमें खबर मिली कि गीता की शादी तय हो गई, तो इसने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ सच सच बताऊं। दरअसल हम दोनों सच्चाई बताने आए थे और आपको देखकर लगा कि गीता को इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। प्लीज इस शादी को मत तोड़िए। राजशेखर सर, जो सजा देनी हमें दीजिए। गोविंद भाई, इस शादी के बाद तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस इस शादी को होने से मत रुको प्लीज। आपका नाम पूछ सकता हूँ? पांचवी फेल बुच्ची। कभी ऐसा परिवार देखा है? अरे इसमें देखने जैसा क्या है? आज के जमाने में जहाँ भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए दुश्मन बन जाते हैं, वहीं कोई अपने छोटे भाई की बेटी को अपनी सगी बेटी मानता है। आजकल घर घर में औरतें साड़ियों जेवरों के लिए अक्सर लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, लेकिन यहाँ औरतें सभी बच्चों की खुशी के लिए काम करती हैं। इसके बारे में क्या कहूँ, सोने के दिल वाला है। जो झूठ तुमने बोला है वो एक दिन सच में बदल जाएगा। तुम इस घर के हिस्से हो। आई डोंट वांट टू मिस यू। इसलिए तो हम भी इसे मिस नहीं करना चाहते सर। मेरे पिताजी को जो दामाद में चाहिए था और मेरी बहन को जो पति में चाहिए, वो सब कुछ, वो सारी क्वालिटीज इसमें मौजूद हैं। सुनो बहन, अपने इस फ्रेंड को तुम भूल जाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही लड़का ढूंढ के लाएंगे, क्या कहती हो? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ? कॉलेज शुरू होने वाला है, मुझे जल्दी जाना हो। अरे सबने इधर आके अच्छा अच्छा रोल प्ले किया, हा? अब बुच्ची को क्या बचा? हमारे लिए एक ही रोल बचा है, बच्चों को आशीर्वाद दो और इज्जत से घर जाओ। हाँ बुच्ची, भले ही तुम्हारा इरादा बुरा था, पर अंत में सबका भला हुआ। आज के बाद इस घर और इस गांव के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अच्छा नहीं लग रहा, इन रिंग्स को अपने पास रखो। नहीं सर, इन्हें अपने पास रखेंगे तो यादें ताजा रहेंगी। प्लीज इन्हें वापस रख लीजिए। आओ जो, मेरा मतलब चलता हूं। पे जा रहे हैं, तू जल्दी आना, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। मुहूर्त का टाइम हो रहा है। पट्टू बेटा। हाँ पापा। यहाँ ना, अमेरिका से किसी राजशेखर ने तुम्हारे लिए ये मैरिज गिफ्ट भेजा है। उसने मुझे तुम्हारे और सीता के बारे में सब कुछ बताया। हे, जिस लड़की से प्यार नहीं करते उससे शादी क्यों कर रहे हो? छोटी माँ के लिए और बहन के लिए। बेटा, बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, उसका दुलार नहीं मिला, उसके कभी डांट भी नहीं खाई, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार छोटी माँ मुझे अपना बेटा मान ले।
अगर वो प्यार से मेरे सर पर हाथ रख देंगी तो मुझे उसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में बेटी की शादी से बढ़कर एक बाप के लिए कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। पट्टू, मैंने तुम्हें हमेशा पैसे कमाने वाली मशीन समझा, कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, और आज मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी छोटी बहन भी है। उसके पास माँ कहने के लिए कोई तो है, लेकिन मेरे पास कौन है छोटी माँ? मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाई, मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया, मुझे माफ कर दो। माँ की डांट में भी दुआ होती है, और माफ करने का हक भी सिर्फ माँ को होता है। कहके मैं ये शादी रुकवा देती हूँ। मैं चाहता तो मैं खुद इस शादी को रोक सकता था, पर मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मैं गोविंद से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त अगर शादी से इनकार किया तो बहन की शादी में रुकावट आ सकती है। नहीं थी तो सोचा कि यहीं पर होगी। ओ, मुझे फ्लैट छोड़ना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, मुझे हॉस्टल में रूम मिल गया है। वैसे वो तुम्हारी वाइफ कहाँ है, दिख नहीं रही? सुबोलियो, कौन कहाँ? ओ सैबे, खबर पड़ गई थी। क्या कहा? सीता के साथ पंगा मत लेना। मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई क्या? तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ी, नाम ही काफी है। मैं अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। ये हिताक्षी है, हाय, और ये जोआना। हेलो। कल्पेश, हाय। मंथेश, हाय। कुलराज, हेलो। सीता, दुर्गा। मेरा नाम दुर्गा है। अगले आधे घंटे में हम दोनों की शादी होने वाली है, और ऐसे खास मौके पर भी तुम्हारी जबान पे मेरा नाम नहीं आया, बल्कि किसी और का। शादी उससे की जाती है जिससे प्यार हो, मुझे बोझ समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। जब तक वो तुम्हारे दिल में है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए एक सजा से कम नहीं होगा। तुम मेरे गुलाम बन जाओगे, पर दिल से मुझे कभी प्यार नहीं करोगे। एक बार प्यार करने के बाद मुझ में एक नई हिम्मत आ गई है। अपने भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम अपनी सीता के पास जाओ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। गुड लक एंड गुड बाय। तो अब क्या करने का सोच रहे हो? इंडिया जाके लड़की ढूंढने का कोई प्रोग्राम नहीं है। बेटर हम ही शादी कर लें। हाँ, इधर सस्ते में निपटती भी है। कंजूसी नहीं, इंडिया से सबको बुलाएंगे। एनी सूझे रोचे, शादी के फोटोज फेसबुक पर अपलोड करेंगे ना? शादी के फोटोज में सब लोग होने चाहिए। फोटोशॉप कर दूंगा मैं, और शादी में सिर्फ मामा को बुलाएंगे, उससे केटरिंग फ्री हो जाएगी। उसे नहीं बुलाएंगे। चल अभी शादी की बातें बहुत हो गई, यहाँ फैमिली की बात करते हैं। अमेरिका है, पैसा सेव किया तो जी सकते हैं, यहाँ फ्रीडम है पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। फिक्र मत करो, मैं भी शादी के बाद कोई जॉब कर लूंगी। एक मिनट बेटा, अजी सुनते हो? कहाँ है आप? सुनिए, क्या बात है? मेरे बेटे का फोन है, वो मुझे अमेरिका बुला रहा है। मैं तो जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी। चुप रहो, तुम गई तो घर कौन संभालेगा? आप संभालोगे, मैं तो जाऊंगी। बेटा टिकट बुक कर दे। मम्मी, हाँ मैं आऊंगी। ये क्या हो गया इसे? तुम्हारी माँ से कहो हमें भी साथ ले जाए। पापा, मम्मी, मम्मी मुझे भी भैया से बात करनी है। अमेरिका देखना है, वीजा है क्या?
पासपोर्ट तो है ना भाई। हे, वीजा भी आ रहा है। वीजा आने से कुछ नहीं होता, इंग्लिश आनी चाहिए। नो इश्यूज, आई कैन हैंडल।